मैं पूरी कोशिश कर रहा था, हमारी भूख थी जिससे मैं लड़ रहा था। रोना धोना कर दे बिल्कुल बैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन। बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन। चिल्लर गिनने के दिन अब गए, मेरी माँ अच्छा अच्छा खाना बनाए बनाए। खुशी तेरी ये सब पे भारी है, उसके लिए बैटमास्टर के हम आभारी हैं। Fun. Married life is really fun. Huh? Really? मम्मी, किसी अच्छी किस्मत वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे अनमैरिड कहते हैं मुन्ना। ए जी, जरा देखिए उसे। मैंने इसे एक बार रिजेक्ट किया था और तब से ये बस एक शराबी बनकर भटक रहा है। कितना लकी है यार, साला आज तक सेलिब्रेट ही कर रहा है। अबे तेरे होटो को क्या हुआ बे? ये कैसे सूझ गए? अरे कुछ नहीं यार, मेरी बीवी अपने मायके चली गई और खुशी के मारे मैं इंजन को चूम बैठा। ऑफिस से आते हुए कुछ सब्जियां लाना मत भूलना। और हाँ, सविता ने आपको याद किया है। कौन सविता? कोई नहीं, बस देख रही थी कि आप मेरे मैसेज ध्यान से पढ़ते भी हैं या नहीं। सर सर, मेरी पत्नी खो गई है। अबे ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं, हमारा ऑफिस है। हे भगवान, मैं तो खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। जरा देखो हमारा पड़ोसी, वो हमेशा ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को चूमता है। तुम भी ऐसा क्यों नहीं करते? अरे पर कैसे, मैं तो उसे अच्छे से जानता भी नहीं हूँ। तो तुम अपने अंदर ये इरादे छुपा कर बैठे हो। स्वामी जी, ये शादीशुदा जिंदगी सुखी कैसे हो सकती है? पहली बात, हमेशा खुद की गलती मानो, ना हो तो भी। दूसरा, जितना हो सके चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। आखिर तुम्हारे डाइवोर्स के पीछे क्या कारण है? शादी। ए भाई, लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सी बेस्ट है? तुम्हारे दादाजी आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। क्या ये सच है दादी? हाँ बिल्कुल, पर मैंने ऐसा कभी होने नहीं दिया। तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मैं गाड़ी नहीं चला पा रही। अरे आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? ए सामने देख। अरे ओ नहीं, शिट 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 शिट। अरे अच्छा हुआ इन्हें कुछ नहीं हुआ। ड्राइविंग करती हो तो मेरी सुनती ही नहीं। अगर तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़कर बकबक किए जाओगे तो एक्सीडेंट होना जाहिर है। करो अब। हे भगवान, लगता है मैंने एक आदमी को ठोक दिया। ओह शिट। अरे भाई, लगी तो नहीं ना? आपको हॉस्पिटल ले चलूं क्या? नाम क्या है आपका? एलिजिबल बैचलर तक भी ठीक है, लेकिन मोस्ट एलिजिबल बैचलर से क्या मतलब? ऐसा कोई जो किसी और को परफेक्ट दूल्हा बना दे। शादी के कपड़ों में यहाँ क्या कर रहे हो भाई तुम? मैं अकेला नहीं हूँ ब्रदर, ये सब है ना यहाँ पे। लेकिन फिर भी इनके साथ क्यों? इसका जवाब तुम्हें मेरी कहानी सुनने से मिलेगा। क्या है तुम्हारी कहानी? तुम शादीशुदा हो? करीब 12 सालों से। फिर नहीं बताऊंगा। लेकिन क्यों? कपल्स के लिए कहानी खतरनाक है, उनके बीच लड़ाई हो सकती अच्छा। है। अच्छा, तो फिर तुम हमें जानते नहीं हो। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी तो खतरा नहीं है। तुम बताओ आराम से।
हर आदमी की जिंदगी में 50% होता है अच्छा करियर और हैप्पी मैरिड लाइफ, और उसके लिए उसे एक अच्छा करियर बनाना पड़ता है। मेरी जिंदगी काफी आम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये गणेश सर हैं, मेरे ऑफिस के हेड। यूएस में पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रीट फूड ही हमारा रोज का खाना है। सेहत, हम अभी जवान है तो चिंता क्यों करें। ये मेरे दोस्त हैं, इनमें सभी शादीशुदा हैं, और एंटरटेनमेंट के नाम पर हम वीकेंड्स पर बस मूवी देखते हैं, बस उसकी रेटिंग 3.25 स्टार से ऊपर हो। जल्दी चलो, बाकी सब आते ही होंगे। लैप डांस मूवी देखने के बाद बहुत जरूरी होता है, और मुझे शायद इसका सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था। अरे सर, यहाँ नहीं। ओ नहीं, ये हमारी सीईओ की बेटी है हर्षा। इसकी मम्मी ने एक विदेशी से शादी कर ली, इन्होंने जीने का तरीका ही बदल लिया। मेरे डैड ने सेंट्रल पार्क में एक फ्लैट लिया है। मैं चाहती हूँ उस फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास हो, पर तुम तो दूर भाग रहे हो। मैं उन चाबियों का क्या करूँगा? मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम लिव इन रिलेशन से इतना डरते क्यों हो? जरा एक मिनट रुको, मैं अभी आया। ठीक है, जाओ। थैंक यू। फैंटास्टिक। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं अपने दोस्तों को तो बता सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ एक ही फ्लैट में रह रहा हूँ, पर मैं अपने परिवार को कैसे बताऊंगा? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सर देखिए, रिलेशनशिप कोई हलवा थोड़ी है जो ऐसे ही कर लो। ये तो अपनी पूरी जिंदगी एक लड़की को देने जैसा है। Stop, stop, stop. Give me a valid reason. सर, मेरे परिवार ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। What? क्या? Yes. Next month 22nd, सर। जाओ, मरो, शादी करो और निकलो। बैठो बैठो बैठो, बहुत बढ़िया। मामा, मेरा नया घर। ये बहुत सुंदर है बेटा। मेरे बेटे ने अपना घर खरीद लिया। अच्छा, तो अब वो सेटल हो रहा है। उसकी शादी है 22 तारीख को। ओके। प्लीज वेडिंग हॉल बुक कर देना। बढ़िया पापा। 3.5, 4.5, इसे खरीद लो, इसे ले लो, ये 5 स्टार है। हाय हर्षा, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया है बहन। शादी में ज्यादा समय नहीं बचा और बहुत सारी शॉपिंग करनी बाकी है। सबसे हेल्प लो। अगर उनसे साड़ी के लिए पूछा वो सब ले लेंगे। दान मोह, दान किन तेल्स का नहीं, नहीं सेलेक्ट चेस्टन ले। हाँ। हर्षा देखो कितने सुंदर गहने हैं। अच्छा है। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने कभी मेरे लिए गहने नहीं खरीदे, मैं तुम्हारी शादी के बहाने गहने ले रही हूँ। अरे सही तो है, कम से कम आप ले तो रही हो, मजे करो। बाय। ये बहुत टाइट है। सो कूल। 4.5 रहा। जस्ट बाय इट। क्या? इन्हें इस्तेमाल तो करो, सब सही है, ज्यादा मत सोचो। ठीक है, बढ़िया। हेलो, क्या तुम हर्षा की शादी में आओगे? मैं उससे बात करूंगा। सब लोग यहाँ तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी? सही से कमाने को ही पूछ रही हो ना। फिर तुम्हारा भाई यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। हेलो, बोलो। मैंने तुम्हारे घर पे एक पार्सल भेजा है, आते समय उसे भी ले आना। क्या ऑर्डर किया था? तुम बच्चे हो, अभी नहीं समझोगे, बस ले आना। अरे अरे, क्या ये ब्रश तुम्हारी वाइफ के लिए? गौतम, तुम्हारा दोस्त शर्मा रहा है। हाँ, खरीद लिया मैंने। हाँ हाँ, मैंने सब खरीद लिया। आ जाओ, और कैसे हो? दीदी, भैया कैसे हो? भैया आ गए। हम सब बढ़िया हैं भैया। हर्षा तुम्हारे चाचा। चाचा, हम सब तुम्हारी शादी के लिए आए हैं। तो अभी से तुम्हारी शादी की पहली रात तक मैं सबको संभाल लूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं शादी की तैयारी की बातें कर रहा हूँ। ऐसा? तुम्हारा क्या, मेरे पैरों में बैठ जाओ, ये बेडरूम है, जाओ यहाँ से। हर्षा, जब तुम शादी के लिए फर्नीचर दो तो बेड एकदम अच्छा सा लेना। खरीद ले। शादी की तैयारियां हो गई, सब तैयार है।
ये आखिरी बार होगा जब मैं अकेला सफर कर रहा हूँ। अगली बार मेरी जीवन साथी मेरे साथ होगी। वाओ, तुम बहुत शर्मा रहे हो अपनी बगल वाली सीट को देखने में। कुछ सीखो। शादी की तैयारियां सही हुई थी तो तुम्हारी सेरेमनी कैसी गई? सब तैयारियां, एक ही चीज बाकी थी। वो क्या? अपने लिए दुल्हन तय करना। हाँ? शादी की सब तैयारियां हो गई थी और दुल्हन ही नहीं थी, मतलब? ऐसा नहीं था, मेरे परिवार वालों ने 20 दुल्हनें चुनी थी, मुझे बस उनमें से कोई एक चुननी थी। Is it possible? मेरे परिवार को मुझ पे भरोसा था और मुझे अपने परिवार पर। हाँ, ये मुमकिन था। मैं यहाँ उसी भरोसे के साथ आया। Excuse me, whose box is this? ये मेरा है सर। ठीक है, ले जाओ। सर, ये मेरा नहीं है सर। ये बॉक्स किसका है? ये मेरा है सर। तो खोलो इसे। ये मेरा नहीं है सर। एक मिनट, तुम ही इस बॉक्स को लेकर आए हो ना? हाँ, मैं ही लाया। खोलो इसे। ठीक है सर, क्या ही मिलेगा आपको, मैं ओपन करता हूँ इसे। तुम अभी भी बच्चे हो, बस उसे ले आना। सर, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसकी शादी भी नहीं हुई फिर भी ये सब ले लिया? ये सब मेरा नहीं है मैडम। अरे नहीं नहीं, सच में नहीं पता था इसमें क्या है सर। पर मुझे तुम पर भरोसा है, निकल जाओ। वो सब ले आया। हर्ष, वो आ गया। देख, हर्ष आ गया। आ गया, मैं मोहरत भेज दूंगा। सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को, सभी लोगों की बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चे को। बेटा अंदर जाओ, मेरा प्यारा बच्चा। और भाई हर्षा, हैदराबाद में स्वागत है। चाचा कैसे हो? मैं भले ही ज्यादा गाता हूँ पर फिर भी मैं फिट हूँ, अपने पापा को देखो। दादी कैसी हो आप? तैयार फिलपंड। सेब खाकर चुपचाप बैठ गया बुढ़िया। हमें लगा तुम किसी विदेशी लड़की से शादी करोगे पर तुमने अपने परिवार को तय करने दिया। भाई वो एक अच्छी सी दुल्हन ढूंढना चाहता है और जो इसे अच्छी लगेगी वो इसकी दुल्हन होगी। उसे सब पता है। अगर तुम्हारा हो गया तो उसे थोड़ा आराम भी करने दो। हर्षा, फ्लाइट लो, रेस्टीज को मना। सो लिया था। क्या बन रहा है? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया। कल से हम लड़की देखने जाएंगे। हम शुरू कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। पंडित जी, ये मेरा छोटा भाई है। ये है मिस्टर शास्त्री के बेटे। लड़की देखने से लेकर सरमनी तक सब कुछ संभालेंगे। शादी की तैयारियां तो अभी से शुरू कर दी पर अभी तक आपने दुल्हन तय नहीं करी। तुम लोगों को देखकर ही डर लग रहा है। और तुम तो दूल्हे हो, तुम शांत कैसे रह सकते हो? जब मुझे पता है मुझे दुल्हन से क्या चाहिए तो टेंशन क्या। ओहो, तुमने तो सब सेट कर रखा है। सुनो, ये मेरी करियर की पहली शादी है, अगर ये सही से हो गई तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा सपोर्ट कर देना प्लीज यहाँ पे। अरे तुम यहाँ भी आ गए? रुक, तेरी भाग यहाँ से। अरे कहाँ चले गए? दुल्हन देखने का टाइम क्या है? 10:42। नमस्कार सर, कैसे हो सर? आप अभी तैयार क्यों नहीं हुए? मेरा परिवार आता ही होगा। क्या मतलब वो आ रहे हैं? तुमने बताया था कि वो 10:45 को आएंगे। अब वो कल नहीं, आज था। नहीं नहीं, एक बार चेक करिए, मुझे याद है पर फिर भी एक बार आप चेक कर लो। हमें धर्मराव के घर जाना था पर हम धनंजय के घर आ गए। अब हम क्या करें? वो आ गए, कुछ करते हैं। पापा हमें यहाँ कल आना था पर हम आज आ गए। यहाँ नमस्कार सर, कुछ करो। अब मुझ पे छोड़ दो, रिश्ता आज भी हम देख सकते हैं। उन्हें कहिए तैयार हो जाए। चलिए आप भी कुछ पहन लीजिए, चलो। रिमोट दे, तू दे रहा है या नहीं? गीता, बेटी गीता, दूल्हा आ गया है, उसे अंदर ले जाओ और तैयार करके लाओ। आंटी आंटी आंटी, एक मिनट। आंटी परेशान मत हो आप, शादी के बाद तो ऐसी रहेगी ना। तुम लोग जाओ, मैं बात करता हूँ, चलो अंदर बात करते हैं। ये बाथरूम है। क्यों, वो जगह सही नहीं है? मेरे भतीजे को सही जगह दिखाओ बात करने के लिए, नहीं तो वो उसे कहीं भी ले जाएगा। अरे चाचा बस करिए। तुम ठीक हो? हाँ। रुको, मैं दे देता हूँ। ठीक है। मेरा नाम गीतिका। तुम MBA कर रही हो, तुम्हारी हाइट 5.5 है, भारनी नक्षत्र में पैदा हुई हो।
दो लोगी या तीन? मुझे एक चाहिए। बस एक? मुझे तीन चाहिए। तुम्हारी हॉबीज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तुम्हारा बायोडेटा फेसबुक पर भी है। तो अब गीतिका, चलो देखें कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं कि नहीं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन, जरा सोचो, हम दोनों का परिवार हमारे घर पे आता है, किस पे ध्यान दोगी? तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हारे परिवार का क्या? क्या तुम उनका ख्याल नहीं रखोगे? मुझे ऋतिक रोशन की मूवी अच्छी लगती है। ओ, मैं रणवीर कपूर की फैन हूँ। अगर दोनों मूवीज एक ही दिन रिलीज हों, तब तुम क्या करोगी? तो हम जिसके रिव्यू अच्छे होंगे पहले वो देखेंगे। सोचो, तुम बिजी और मैं बिजी हूँ, और हमारा बेटा चिंटू रो रहा है, उसे कौन संभालेगा? चिन्नी ध्यान रखेगी। चिन्नी कौन? हमारी बेटी। हमारे पास दो बच्चे होंगे। शादी के बाद जॉब करोगी? ओह बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं बोलूं? ये काफी होगा, मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। बताओ वो क्या चीज है जो हस्बैंड और वाइफ रोज करते हैं? वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ये काफी है। वैसे अब तक मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कुछ पूछोगी? क्या तुम मुझे रिमोट दोगे जब तुम टीवी देख रहे होगे? हे भगवान, रिमोट? बिल्कुल नहीं। दो टीवी तो होंगे ही ना। तुम अपना टीवी देखो, मैं अपना टीवी देखूंगा। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। क्या तुम्हें गीतिका पसंद है? पापा, हाँ? गीतिका कमाल की है, मुझे वो पसंद है। क्या क्या हुआ? हम लोग अगले हफ्ते इस पे बात करके फैसला सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम चलते हैं। लड़की अच्छी है ना? चिंता मत करो, तुम्हारी शादी होगी। तुम्हें अभी 20 और लड़कियों से मिलना है। ये सच है, इतनी जल्दीबाजी मत करो। क्या तुमने वो सुना मम्मी? अगली लड़की का घर है पद्मारू नगर में 11:45 का समय। ये कुंडली तुमसे मैच नहीं होती, इन्हें कंट्री क्लब में दे आना, ठीक है? नाम और फोन नंबर उसके अंदर है। मम्मी, ये लड़की तो सुंदर है। अभी जल्दीबाजी मत करो, हमने ये भी कहा था कि इसकी कुंडली तुमसे नहीं मिलती, इसे अंदर डालो और देख के आओ। जाओ भी। ये लड़की बहुत हॉट है। चुप कर। हेलो सर। ओए चलो, हम आ गए। पहुंच गया सर। सर 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 सर, उस दिन जो डब्बा आपने देखा था वो मेरा नहीं था, इसका था। तुम मुझे यहाँ वो बताने आए हो? आपकी बेटी की कुंडली मुझे दी गई थी। हमारी कुंडली मिली नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे शादी करने के बाद जिंदगी बर्बाद। अगर आपकी बेटी मुझसे शादी करेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या हमें ऐसे कहना चाहिए? सर मेरा भाई चाहता है। कुंडली की एक फोटो ऑलरेडी अंदर है। हाँ, हम उसके फिगर के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़की परी की तरह दिखती है। हे भगवान, आखिर वो फोटो कहाँ गई? वो फोटो कहीं गिर गई होगी सर। गिर कैसे गई? गिर गई। चुप कर। आजकल जो भी फोटो WhatsApp पर शेयर होती है, फिर वही फोटो हर जगह शेयर होती है, और जो लोग बेकार होते हैं वो उसी फोटो पर कमेंट करते हैं। इसी वजह के चलते मैंने ये फोटो भेजी थी, और तुम कह रहे हो तुमने फोटो गिरा दी। तुम एक फोटो संभाल कर नहीं रख सकते, ऐसे में कौन अपनी बेटी तुम्हें देगा? क्या उसने तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा? तो फालतू का चिड़ क्यों रहे हो? बाहर निकलो। ए, तू कौन है? ना फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। माथापुर का सर्कल इंस्पेक्टर है ये। सीए एक पुलिस ऑफिसर। सर आप कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, ये तो बस एक फोटो है सर, हम चलते हैं। नहीं जाओगे, और मैंने तुम्हें जाने को बोला भी नहीं। मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं पता, कैसे भी लेकर आओ, भागो यहाँ से। रुक जाओ, तुम जाओ और जाकर फोटो लेकर आओ, ये यहीं पर रुकेगा। ओके।
काली से रुक जा। ओए, ये क्या मुझे गिरवी रख रहे हो क्या? वो भी सिर्फ फोटो के लिए? हाँ सर। इंट्रा है तो टॉयज की संतुना रहो। मैंने बस उन्हें देखा था, इस्तेमाल नहीं किया। हेलो, तुम कहाँ हो? सब इंतजार कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट काम में फंसा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। शादी से जरूरी और क्या होगा? मैं वही कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा है? ए, फोटो 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 फोटो। हेलो, क्या वो वही है? ए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा फोटो लेकर आना। वहीं रुक, मैं आ रहा हूँ। फोटो मिल गई? हाँ। रुको जरा। हेलो सर, इधर आओ। चलो अंदर बैठते हैं। चलो अब अभी जाओ। अरे 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 अरे, अरे नहीं 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 नहीं, फोटो छोड़ दे, फोटो छोड़ दे प्लीज। तुम ये सब करते ही रहोगे है ना? मेरा दोस्त आता ही होगा सबक सिखाने। उसका कॉल आ गया। बोल बे। क्या वो वही है? हाँ, मैंने उसे रोक लिया है। अगर तुम जल्दी आओ तो मैं उसे बताता हूँ। नहीं दोस्त, अब वो तुझे सबक सिखाएगा। क्या भाई? हेलो, मेरा फोन कट गया। अब ये मुझे काट डालेगा। ये लीजिए सर। ऐसे मत करिए सर आप, मुझे डर लगता है। ये मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा है और तुम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हो। इसकी तो भाई, कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है? रुक जा, मैं देखता हूँ। ए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हेलो, फोटो। अरे क्या तू एक ही फोटो के लिए बार बार कॉल कर रहा है यहाँ? हम भी सुबह से उसको ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई फोटो नहीं मिली है। अगर तू ऐसे कॉल करता रहा तो हम उसे नहीं ढूंढेंगे। जा भाई, किसी और ने भी यहाँ पर वही चीज बोली। जो तेरे पास उधर आदमी है ना, तू उसको अपने पास ही रख ले। मैं कल आके फोटो दूंगा। अगर फोटो नहीं दे पाया ना तो हर्षा को उठा के ले जाना, लेकिन दोबारा कॉल किया तो छोड़ूंगा नहीं। Hey, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं हूँ जो यहाँ हूँ। तुम लोग मुझे लेने कब आओगे? हट, रख यार इसे। हेलो, मुझे पता है कि तुम्हें कहाँ रखना है। कहाँ सर? अदापुर पुलिस स्टेशन। वहाँ बहुत सारे खिलौने भी हैं। एंजॉय करना। तू पागल है, तेरी दिक्कत क्या है? क्या है तेरी प्रॉब्लम? बस फोटो ही तो देना है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व है ना। अब फोटो कहाँ से आएगी? लोगों को मेरे साइज के बारे में पता है? ओहो, लगता है यहाँ बहुत सारे एक्सरे मशीन्स हैं। क्या मैं जान सकती हूँ ये कौन सी मशीन है? साई। गर्लफ्रेंड? बगल में गर्लफ्रेंड बैठी है, फिर भी मुझे स्कैन कर रहे हो। जब तक शो खत्म नहीं होता ऐसे ही रहना। मैं तुम्हें अपना साइज जरूर बताऊंगी। जब टीनेजर थी मेरी एक दोस्त थी, जब भी वो बाथरूम से आती थी नर्वस होकर बेड पे कूद जाती थी। जब मैंने पूछा क्यों, वो बोली उसके बेड के नीचे भूत है। मैं उससे मिली, उसकी शादी हो गई थी। मैंने पूछा कैसी है? हाँ, उसने बताया वो भूत अब उसके बगल में सोता है। और कितने कितने मैरिड कपल हैं यहाँ? सिंगल्स? ठीक है सिंगल्स, मुझे बताओ ये लाइन क्या है? हेलो लाइन। अगर मैं ये सवाल मैरिड कपल से पूछूं, वो इसे डर कहते हैं। हाँ, क्या कहा अंकल, लटकने के लिए रस्सी? ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है, इस साइड है सिंगल्स और वो राइट साइड है, और इस साइड मैरिड कपल्स, वो है। रॉन्ग साइड। लेफ्ट साइड यार। पर टॉपिक लेफ्ट साइड और साइड का नहीं है, ये बात सेंटर की है। हम उनकी बात करेंगे, ताकि तंदाना जो शादी करने वाले हैं, वो लोग कंफ्यूजन में होते हैं कब शादी करूं कब नहीं, और सोचते रहते हैं शादी के बाद क्या होगा, किससे शादी करें वगैरह वगैरह। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे LKG के बच्चे को IAS का पेपर दे दिया हो। और अभी मैं भी ताकि दाता दिनी तंदाना उसी साइड पर हूँ। तो सिंगल्स, क्या मैं लाइन क्रॉस करूँ? कपल्स? मैं समझ गई। सिंगल्स लोग शादी को चांद की तरह देखते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे कविता की तरह सुंदर हो, और कपल्स देखते हैं चांद में उतरने जैसा, जहां उन्हें बस जमीन, धूल, ग्रेविटी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, घबराहट। हाय भगवान,
है ना? आईएसआरओ और नासा तुम्हारी मदद कर सकती है चांद से उतरने में, पर रिलेशनशिप में रहना। हमें एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ग्रेविटी लाने के लिए। मेरी शुभ नहीं समझेंगे, वो पूछते रहते हैं तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, कितना लंबा, उसकी एजुकेशन कैसी हो, तुम्हें अमीर लड़का चाहिए, और पूछते ही रहते हैं पता है मैं उन्हें क्या कहती हूँ। मेरे लाइफ पार्टनर के जूते का साइज मेरा साइज सेम हो, मेरा साइज और उसका साइज मुझे सेम चाहिए, साइज 8। ये हूँ मैं और ये मेरा लाइफ पार्टनर। भगवान भी उन्हें शोरूम में रखेगा, उन्होंने हमें ऐसे ही बनाया है, हम सब बिखरे हुए हैं मंदिर के सामने और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। नॉटी फर। वैसे मैं तो अभी जल्दी में हूँ और कोई सा भी जूता पहन लूँ, सोच के कि शायद सही साइज मिल जाए। एक पैर कैट वॉक करेगा और एक मून वॉक करेगा। जब मैंने जूते की बात अपने पापा को बताई, वो बोले इसी जूते से मारूंगा, और बोले जो मैं चुनू उससे शादी कर लेना। सुबू मेरे पापा हैं, उनके लिए क्या ही मायने रखेगा। अगर कोई गलती हो भी गई चूज करने में, मुझे भी मेरा बैड एक भूत के साथ शेयर करना होगा। थैंक्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज विभा साइनिंग ऑफ, थैंक यू। अरे हर्षा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चल उसको फोटो के लिए बोल। अरे बोलना, कॉमेडी करती है यार। मैंने जूता कहाँ फेंका? हाय, ये रहा आपका शो। थैंक यू, शो बहुत ही बढ़िया था सच में। थैंक यू, तुम बहुत फनी हो। मैं भी लाइफ में उसी लाइन पे हूँ जिस पे तुम। ओह, तो तुम भी शादी करने वाले हो? मैं 20 दिन के अंदर शादी करने वाला हूँ। ओह कांग्रेट्स। थैंक्स, पर थोड़ी परेशानी में हूँ। मेरी वजह से? तुम्हारी फोटो की वजह से। तुम्हें भी मेरी दुल्हन के लिए चूज किया था, हमारी कुंडली नहीं मिली, तो जब मैं तुम्हारी कुंडली वापस करने गया तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारा फोटो गायब था, और तभी से ये टॉर्चर शुरू हो गया। 140 मिस्ड कॉल्स, और लो एक और आ गई, मेरी लगी पड़ी। ओ, तो तुम सुबू के जाल में फंस गए। हाँ, अगर तुम अपनी फोटो देती हो तो मैं वो तुम्हारे पापा को देके ये लाइन क्रॉस करके खुशी खुशी शादी कर पाऊंगा। मैंने एक शो किया था ये लाइन क्रॉस करने पर एक घंटे का, और तुम कह रहे हो तुम जल्दी से लाइन क्रॉस करोगे? मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं हर चीज को लेकर क्लियर हूँ। ओह माय गुडनेस। डार्लिंग, क्या कॉफी लेके आओगी? ठीक है भाई, एक ब्लैक कॉफी। फोटो दे दो प्लीज। बस फोटो है ना, मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, अगर जवाब अच्छा हुआ तो मैं फोटो दूंगी। कॉफी? ठीक है, थैंक यू। बस दो मिनट। तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो? मेरी मैरिड लाइफ से कोई सोचता है अपनी वाइफ के नेचर के बारे में, पर मैरिड लाइफ का नेचर नहीं। तुम अपनी मैरिड लाइफ को शादी के बाद क्या समझोगे? तो बताओ तुम अपनी मैरिड लाइफ से क्या चाहते हो? एक अच्छी वाइफ। अच्छी वाइफ मतलब? फ्रेंडली हो, समझने वाली हो, एडजस्टेबल हो। नहीं, और क्या हो सकता है? दो फैमिलीज एक साथ होंगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। नहीं, और क्या होगा? बच्चे, बिना बच्चों की मैरिड लाइफ कुछ भी नहीं है, मेरी दादी ने बताया था। नहीं, फिर क्या होगा? लास्ट सिप, लास्ट चांस, वन मिनट। क्या हो सकता है? हाँ, ये कहना चाहिए था। हाँ, यही सही रहेगा, दोनों में प्यार होना चाहिए, बिना प्यार के मैरिड लाइफ नहीं। मैं सही हूँ ना? अब मुझे फोटो देने वाली हो? क्या हुआ? अरे मैं नहीं दूंगी, जाओ। और क्या हो सकता है फिर? थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। वाइल्ड? ये कहानियां काकीनाडा की है और यादें मेरी इंजीनियरिंग टाइम की। वैसे हैदराबाद और उसमें थोड़ी दिक्कत होती होगी। कॉफी ले लो। What do you expect from your married life? हाँ? मतलब अपनी married life से क्या चाहती हो तुम? caring husband. अच्छी सी married life. मुझे कोई ऐसा चाहिए जो साफ सफाई में मदद करे, मुझे घर पर सपोर्ट करे। मुझे joint families अच्छी नहीं लगती। I'm expecting freedom. और क्या? बिल्कुल। हाँ, लव है ना? ये भी नहीं। तुम क्या चाहते हो मैरिड लाइफ से?
यही तो होता है जो सब चाहते हैं। थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग। ये लड़की मेरे मैच की नहीं है। हर्षा हाँ? कृष्णा राव के घर आ जाना 11:04 पर। हाँ सुधीर का एक छोटा सा काम करके वो आ जाएगा। ठीक है टाइम पर आ जाना, लेट मत होना। क्या मीटिंग चलो। ओ गॉड ये लड़की शायद ही फोटो देगी और वो सुधीर को जाने भी नहीं देगा, क्या करें? अच्छा अगर लड़की नहीं मान रही है तो उसकी माँ को मनाने का क्या? फोटो के लिए रे। ओ हर्षा आ गई। लोग सुब्बू के छांसे में फंस गए। मैं तुम्हें वो फोटो देती हूँ, रुको जरा। यस, अब बात बनेगी। ये रही वो फोटो जो भी हमारे घर में है। इतनी सारी फोटो? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यन्नेन्दुको? तुम्हें क्या लगता है मेरे पति ने ये सब बताया होगा मुझे? मुझे क्या पता वो फोटो कौन सी है जो उन्होंने तुम्हें दी। मैं उसे पहचानता हूँ। ठीक है तो देखते है ना। ये आपकी बेटी नहीं? ये तो मैं हूँ जब मुझे प्यूबर्टी हुई थी। उड़ी पापा अपन तो फंस गए। है ना यही तो थी वो। कितनी प्यारी थी। कितनी प्यारी है। ये उसकी पहली डॉल है। वो देखो वो ग्रीन कपड़ों वाली वो रही। और ये उसके स्कूल के दिनों के मेडल्स हैं। और वो उसके स्कूल का लंच बॉक्स है जो वो स्कूल के पहले दिन ले गई थी। वो अपने बचपन की एक भी चीज नहीं फेंकती, सब संभाल कर रखती है। इस परिवार के सभी लोग अलग हैं। मेरे पति भी बहुत अजीब है इसलिए मेरी बेटी भी ऐसी है। और मैं पूरी लोकेश्वरी। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? फिसल गई। थोड़ा गर्म पानी लाओ। रुको रुको मैं भी लेकर आती हूँ। बेटा थोड़ा गर्म पानी लेकर आना जरा। गर्म पानी कहाँ है? आ ही रहा होगा। अरे जल्दी करो ना यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने फोटो नहीं दी तो मैं तुम्हारी मम्मी से पूछने आ गया। अरे इतना शोर क्यों मचा रही हो? थोड़ा ही तो लगा है। मम्मी मेरा शरीर मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरे लाइफ पार्टनर का भी है। मुझे इसका ख्याल रखना होगा। हो गया तुम्हारा? तुम क्या देख रहे हो? एक्चुअली फोटो है ना। चलो ये लो शुभू को दे दो। अच्छी लड़की ढूंढो, अपनी मैरिड लाइफ के मजे लो बीवी और बच्चों के साथ। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? हाँ इडली वड़ा सांभर। इडली वड़ा सांभर? हाँ। तुम अपनी मैरिड लाइफ से इडली वड़ा सांभर चाहते हो? हाँ। और क्या हो सकता है? यही तो मुझे भी नहीं पता। मैं समझ गई। तुम बस यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? क्या हो गया बेटी? अरे कुछ नहीं हुआ, आप बातें करो। मुझे लगता है तुम खाने पीने में शर्माते हो। पहले तुम्हें जितना खाना है तुम उतना खा लो, बातें बात करेंगे। आराम से तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ध्यान से। अरे कोई ना, बचपन में वैसे भी मेरे बहुत एक्सीडेंट होते थे। वो पहले की बात थी, अब तुम बड़ी हो गई हो। आई थे तो तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं है। मेरी नहीं है? ये मेरी भी है। तुम्हारी? मेरा मतलब मेरे जैसे किसी की। तुम बोल क्या रहे हो? हे भगवान मुझे तो लगा था तुम काफी अच्छे हो, लेकिन तुम तो मुझे पागल बना रहे थे। अरे क्या समझने की कोशिश करो? भावनाओं को समझो। अरे ये अंदर की बातें नहीं, ये डबल मीनिंग बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, बोलना बंद करो, खड़े हो जाओ। प्लीज प्लीज उठो, चलो। सुनो तो मेरी बात। क्या क्या सुनो? तुम ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो? तुम्हारे परिवार वाले देखो कितने शरीफ हैं। लड़की को देने जैसा है। इसी वजह से छोड़ रही हूँ। ये लड़की भी मेरे मैच की नहीं। हे डार्लिंग तुम अपनी बाइक से आए हो? क्या तुमने मेरी फोटो शुभू को दे दी? वैसे तुम्हारी दुल्हन मिली क्या? क्या तुम्हारा मतलब ये भी गई? अब क्या एक और? मुझे तुम्हारे पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। हे, हे,
मैं समझ सकता हूँ कि मैं हर मीटिंग में विवाह के बारे में सोचता हूँ। जब मैं अपने घर पर नहीं बता सकता तो मैं इसे कैसे बताऊंगा? वैसे एक डाउट है। क्या? तुम्हें लड़की कैसी चाहिए होगी? आई मीन, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये वही एक है? वो मैं 20 दुल्हनों से मिलूंगा और उनमें से टॉप 10 चुनूंगा और फिर उसमें से एक। तो तुम पहले 10 चूज करोगे और फिर उनमें से एक? हाँ यही। तुम्हारे टॉप 10 फेवरेट फूड कौन से हैं? बिरयानी, चिकन नूडल्स, मिर्ची बज्जी, चाय, समोसा। तुम्हारे टॉप 10 फेवरेट प्लेसेस? फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड सैन फ्रांसिस्को, थर्ड है न्यूयॉर्क। असल में फर्स्ट मेरी जगह तुम क्या जवाब देती? मेरी टॉप 10 प्लेसेस खजुराहो, कोडैकनल, अरकु, वेनिस, कश्मीर, लोनावाला, गोवा, न्यूयॉर्क, ऊटी और टॉप 1 इज पेरिस। क्या तुम मूवी देखते हो? बहुत सी। वहाँ पर सिर्फ मजे के लिए यही होता है। अगर मूवी की रेटिंग 3 से 3.75 होती है तो तुम उसे देखते हो, है ना? ज्यादातर लोग वहाँ यही करते हैं। लगा ही था। अब मुझे तुम पर भरोसा है, तुम उनमें से कोई एक चुन लोगे। तुम कैसे बता सकती हो? तुम्हारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, तुम्हारे आसपास काफी लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वो सभी तुम्हें रिव्यू देंगे। तुम लड़की ढूंढ लोगे अच्छी रेटिंग से, चिंता मत करो। हम अब तक सीरियस टॉपिक में थे, वैसे एक सवाल पूछूं? नहीं पूछूं? और पूछो। तुम्हें सनराइज पसंद है या सनसेट? मुझे सनराइज पसंद है। क्यों? जब सुबह काम पर जाता हूँ ट्रेन में परफेक्ट सीट ढूंढ लेता हूँ, ट्रैवल करते हुए आराम से कॉफी पी सकता हूँ। मुझे तो सनसेट पसंद है। क्यों? सनसेट के बाद अंधेरा हो जाता है, तभी तो होती है कपल के बीच मजेदार बातें। किसी एक के पास डर्टी माइंड होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास डर्टी माइंड है? अरे गुच्छे गुलाबी लागा ना गुंडेलो तूने ताकी न दे वेलुगिच्चे मतावलागा ना रेंडु कल्ललो निंडी न दे। ఎవరే నువ్వే ఏం చేసినావే ఎటుగా నన్నే లాగేసినావే చిటికే వేసే క్షణంలో నన్నే చదివేస్తున్నావే ఎదురై వచ్చి ఆపేసి నువ్వే ఎదురే ముందో దాచేసినావే రెప్పల దుప్పటి లోపల గుప్పెడు ఊహలు నింపావే కుదురే కదిపేస్తావులే నిదురే నిలిపేస్తావులే కదిలే వీలే లేని వలలు వేస్తావులే ఎప్పుడూ వెళ్ళే దారినే అప్పుడే మార్చేస్తావులే నా తీరం మరిచి నేను నడిచానులే। अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। ऑनलाइन 24 घंटे व 7 दिन अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रूपए तक प्राप्त करें। इधर आ जा। क्या तुम्हें वो फोटो मिली? ओए रुक जाओ, उसे मत रोकिए सर। 200 मिस कॉल, किसी को कॉल करने का सही कारण होता है ना। अगर मुझे फोटो मिली तो आपको नहीं दूंगा। ए दे इसे। ए तुम्हारे। सर जो आपने कल कहा था उसे मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने हर जगह पर ढूंढा पर फोटो नहीं मिली। కదిలే పెదవే నా అనుమతి లేకుండానే నీ పలుకే పలికిందే ఊరికే ఉంచవుగా అయ్యా నేనే
लास्ट लाइफ पार्टनर चूज करना बहुत बड़ी चीज होती है और मुझे तो बस एक ही मिनट मिला था। अगर तुम पसंद होते तो एक मिनट और देते। क्या कहना चाहती हो? कुछ मजेदार कहो। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी मस्त हो जाएगी। मैं कॉग्निजेंट में काम करता हूँ, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बकवास, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कहो। मैडम, तुम और मैं एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम उन दुल्हनों को बिना इंटरेस्ट के देखते हो और यहाँ तुम बिल्कुल खोए हुए हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? शादी करना है या लड़की देखना है, डिसाइड तो कर ले यार। मुझे जो चाहिए वो मिल गया, और नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, ये सब बंद करते हैं। ठीक है, फिर चलो। वैसे उन्होंने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है तो उनको बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या यार, तुम एक लड़की चुनो वरना तुम्हारे पेरेंट्स कोई और चुन लेंगे, वही सबके लिए सही होगा। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तुम सही, तुम सही। इसीलिए अगर तुम सबको बताना नहीं चाहते तो मम्मी को बता दो। चलो हर्षा, बताओ मुझे यूएस से कितने लोग आ रहे हैं तुम्हारी शादी में? हमें उनके लिए हॉल बुक करना होगा। कोई बात नहीं, मम्मी कहाँ हैं? वो यहाँ यूएस से। यार वो यूएस से क्यों आएंगे? वो सब पागल बेकार और कंजूस हैं, छोड़ो उन्हें, भूल जाओ। मम्मी तुम लोग यहाँ क्यों आए? तो हम बेकार लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। माँ को डॉलर्स पिचा। चलो भी अब आ जाओ। सर मैं अपनी शादी में गया था 2 दिन पहले। हम ये दुल्हन को देखने आए हैं और तुम्हें सरप्राइज देने भी, और तुम हमारे बारे में ये सब कह रहे हो। प्लीज बैठ जाइए। हाय अर्षा। हे, दिस इज गुड। 5 मरीदी। 1.5 सुधीर भाई, वो फोटो देना। ये देखो, ये वाला फोटो देख। तुम क्या कर रहे हो? अभी मुझे नहीं पता कि बातचीत कैसे करें, अब वो सब संभाल लेंगे। ये काफी सही है। इनमें से पता नहीं मेरा बेटा कौन सी दुल्हन चुनेगा। हर्षा के लिए हमारे सीईओ की बेटी ने इसे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। तुमने कुछ कहा था? इसने क्या कहा था उसे? तुमने क्या कहा था? अगर मेरे दोस्तों ने पूछा कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को तो बता दूंगा, लेकिन जब मेरा परिवार मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? ये है हर्षा, ये है हर्षा। बात ये नहीं है कि हर्षा किससे शादी करेगा, बात ये है शादी किससे तय होगी। ये है पॉइंट, ये है हर्षा। ये बहुत अच्छा है, ये कभी कुछ गलत नहीं करेगा। हम भी जानना चाहते हैं वो लकी लड़की कौन है, अगली कौन है? अगली से मिलते हैं। तो तुम मैच मेकिंग में एक्सपर्ट हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ में क्या चाहिए। चलो फोटो दिखाओ। कोई बात नहीं, मेरे सवाल सही नहीं होंगे और तुम काफी शरीफ लग रही हो। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब? मैं यहाँ तैयारी से आई थी कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगी। ये सिर्फ सवाल की बात नहीं है, खुशी होगी जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी। हाँ बिल्कुल जवाब मिलेगा, क्या तुम सिर्फ किताब को ऊपर से देख के जज करोगे? ये भी सही है। हाँ तो फिर पूछो।
क्या तुम्हारे पास आ, 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 इस बारे में क्या बात करें? नहीं, वो क्या था जो तुमने डा पूछा? क्या तुम कभी देहरादून गई हो? बस करो, अगर तुमने उस डा वाले सवाल को नहीं पूछा ना तो समझ लेना। Do you have a dirty mind? अरे ये कैसा सवाल था? ठीक है, सवाल को सिंपल करते हैं। तुम्हें सनराइज पसंद है या फिर सनसेट? सा को खींचो मत, राइज और सेट। राइज। राइज क्यों? क्योंकि प्रेयर्स करनी होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह, है ना? हाँ। पहले से ही लगा था ये मेरी मैच नहीं है। और तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सनसेट पसंद। वो क्यों? क्योंकि सनसेट के टाइम अंधेरा होता है। ये भी मेरे लिए सही नहीं है। बैठो बेटा, ये लड़की बहुत अच्छी है, उसका परिवार भी अच्छा था। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। अच्छा? तुम क्या कहती हो बेटा? क्या गड़बड़ है? अगर हम इसके लिए तैयार होंगे तो आराम से हाँ कर देंगे, वरना मना कर देंगे। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अगर आप यही मैं कह रहा हूँ, ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं सही जाएगी। यह सिर्फ सनराइज होता है, सनसेट नहीं होता। का क्या मतलब? तो उसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम हमारे गांव में बिना सनसेट के रह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कोई सनसेट नहीं होता? साइड हूँ, सब शब्दों में कह सकता हूँ। अगर वहाँ होता तो पता नहीं क्या करता। सर बस आओ, आ जाइए। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? रुकिए, दोनों उन्हें क्या कह रहे हैं? ना सर, करा बीपी रेसे कर जब तू नानो। सर रुकिए, शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं हमें सर, ऐसे झगड़ना नहीं चाहिए। क्यों ना हम जेंटलमैन की तरह बात करें। वैसे कैसे कर सकते हैं वो, कैसे हैंडल करते हैं? हमें ये नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये लड़की पसंद है तब भी हमें ये नहीं चाहिए। हाँ सही है, चलो चलो यहाँ से। ये नहीं, वैसे हमें जानना चाहिए क्या करेंगे। चलिए सर। सर सर मैं यही हूँ, चलो पूछते हैं। मैं कारण जानकर आपके पास लेके आऊंगा, वो देख लेगा। चलिए चलिए। गुरुजी जरा रुकिए। तो जब सब कुछ अच्छा जा रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सब सही कर दूंगा। एक बार हाँ तो करिए। तुम्हें पता है उसने मेरी बेटी से क्या पूछा? तुमने जो कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम एकदम क्लियर हो, इसका यही मतलब था। तुम्हारे परिवार को पता चलेगा तो क्या होगा? ये तुम्हारी पहली शादी है और करियर की शुरुआत है, जरा याद करो। तुम पहले इतने लंबे प्रोसेस से चल रहे हो, बस एक बार मुझे मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा। पर उसने मुझे जाने ही नहीं दिया। चाचा, उस पंडित से सब सही करने का पूछना ही बेकार था। जी। सर बात यह है कि वो ये सब जल्दी जल्दी कराना चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें जरा हाइपरटेंशन हो रही थी। नहीं, ये हाइपरटेंशन नहीं, ये कुछ और है, कुछ और है। बात तो सही है। हमारे बेटे की शादी होने वाली है, ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? चलो बाकी चीजों पर ध्यान दो। करेक्ट है, हमें रामेश्वर राव की बेटी से मिलना है। उन्होंने अपनी बेटी को यूएस से बुलाया है। उन्होंने पहले ही हमें 3 बार बुलाया है, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले। वो यार वो रुके, वो कुछ और ही सोच रहे हैं। और किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, बस अब ये सब बंद करते हैं, यही काफी है। पर वो इंतजार कर रहे हैं पापा। कहा ना, यही काफी है। वो उसी से शादी करेगा जिसके साथ उसे अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब? जब हमने शुरुआत की थी, इसने पहली दुल्हन को चुन लिया था। मुझे पसंद है कि तुम हर चीज के बारे में सोचते हो। पापा, गीति का कमाल की है। पर हम रुके नहीं, उसे बाकी दुल्हनों से मिलवाने में लग गए। अभी भी देर नहीं हुई। अरे पापा। सॉरी बेटा, तुम ठीक हो, तुम काफी अच्छे हो। पापा मैं अब क्या सोच रहे हो, तुम्हें यही चाहिए थी ना? सही है, उन्हें बुलाओ और बता दो शादी 22 तारीख को होगी, हम इन्हें कल ही इंगेज कर देंगे। ठीक है? ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। हाँ, कल इंगेजमेंट होगी, ये ठीक है ना? ऑल द बेस्ट सर। क्या उन्होंने तुम्हारी शादी उस रिमोट वाली से फिक्स कर दी? क्यों, उसमें क्या बुराई है? तुम चुप रहो, अब तुम क्या करते रहे फिर? मेरा परिवार मेरी शादी देखना चाहता था, मैं वही शादी विभा के साथ चाहता था। पहले उसे तुम्हें अपने प्यार में गिराना होगा ना? मेरे पास उतना टाइम नहीं था भाई। तो तुमने क्या किया? मुझे छुप जाना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ अंकल। मुझसे? हाँ। क्या बात है? ये आपके लिए।
आओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? जरा सुनो। हाँ? एक ग्लास देना। हाँ, अभी लाती हूँ। थैंक गॉड, मैं आपकी रिएक्शन के लिए परेशान था। आंटी, बस एक ग्लास। मैंने ही पीता। मैंने एक ग्लास के लिए बोला है। बोलो। आपने जो पहले बोला था कि मैं फोटोग्राफ संभालने में बेकार हूँ, तो अपनी बेटी कौन देगा मुझे, ये बात मुझे बुरी लगी थी, इसलिए फोटो ढूंढ ली मैंने। अगर आप ये फोटो लेके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दें, उससे शादी करके उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं समझा नहीं। नहीं समझे? तुम बस फोटो देखकर डिसाइड कैसे कर सकते हो? सच कहूं तो अंकल, मैं आपका टॉर्चर सह नहीं पाया तो आपकी बेटी से मिला, मुझे वो बहुत पसंद है। मेरी बेटी ने फोटो दी क्या? नहीं अंकल। तो किसने दी? उसके बाद मैं आंटी से मिला। कौन सी आंटी? आपकी वाइफ। ओह नहीं, मारे गए। अरे यार, मैं काफी टेंशन में हूँ। आ जाओ आजा, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। आंटी मुझे नहीं पता था ये, आपको माफ करना। मेरे पति को मत बताना कि मैं कहाँ हूँ। उसकी वाइफ ही इतना डरा रही है तो वो तो उसका सन इन लॉ बनने वाला है, अब क्या होगा? ये बाइक भी रुक गई। मेरी बेटी को इस बारे में मालूम है? नहीं अंकल। तुम्हारे परिवार को? नहीं अंकल, उन्हें नहीं पता, पर वो सब मान जाएंगे। पर आप पागल हो? नहीं नहीं नहीं, आप सबसे जरूरी इंसान हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी बेटी और मुझे तुम क्यों पसंद आओगे? मुझे लगता है जो एयरपोर्ट पे वो आपको पसंद नहीं आया, इसी वजह से आप रुक रहे हैं, है ना अंकल? मेरे कैरेक्टर के बारे में आप भीमावरम से न्यूयॉर्क तक पूछ सकते हैं, सब कहेंगे हर्षा मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। आपको बस कहना है मैं परिवार लेकर आ जाऊंगा। थैंक्स अंकल। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें उम और हूँ में अंतर समझ नहीं आता? बैठ जाओ। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, तुम्हें सुबह बताऊंगा। जाओ। 10 बजे तक बताएंगे? 9 बजे? 8 बजे तक तो बता ही देंगे। आपकी खामोशी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। थैंक यू अंकल, आप ड्रिंक लीजिए। लहराई लहराई गोरु वचने न उसुल दिराई इन्नी नाळ्ळु एंत एंत वेजाई कळ्ळलोने दागि उन्न अम्माई सोंत मल्ले चेरुतुंटे प्राणमंत चेप्पलेनि हाई लहराई
अब तक हम उनके कॉल से डरते थे और अब अगर नहीं किया तो डर लग रहा है। ఏంట్రా ఇంకా రెడీ అవ్వలేదా? ఎంగేజ్మెంట్ టైం అవుతుంది, పద పద। यार अब क्या अब करें? तुम टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? दुल्हन अभी तक नहीं आई। क्या दुल्हन नहीं आई? कहाँ है सब? क्या हुआ? सर उन्होंने कहा वो नहीं आ रहे। अब एंगेजमेंट के एक घंटे पहले उन्होंने मना कर दिया। सुब्रमण्यम यहाँ है? आप कौन है? उन्हें बोलो बाहर आए, हमें उनसे बात करनी है। वो चिल्ला रहे हैं। तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? हमने चीजें बिगाड़ दी और अब तुम कह रहे हो कि ये क्या? क्या आप मिस्टर धनराज को जानते हो? मैं उसे जानता हूँ काफी करीब से। तो क्या हुआ? तो क्या आपने उन्हें नहीं कहा कि हमने मना कर दिया? क्या आपने ही उन्हें कहा कि मेरा बेटा एक बेकार इंसान है? अरे मैंने नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि वो लड़का बहुत ही बेकार है और जो भी लड़की उससे शादी करेगी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब क्या पूछना है तुम्हें? हाँ? क्या मैं तुम्हें दिखाऊं? क्या दिखाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? हाँ? क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे हैं सर? छोड़ दीजिए सर। फोन बाहर निकालिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पुलिस स्टेशन में हो क्या? जल्दी यहाँ पर आओ, कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। दूर हटो, दूर हटो। ये सब क्या है? तुम इन सब में मत पड़ो, अंदर जाओ। सुनो बेटी, मेरे बेटे और तुम्हारी कुंडली का मेल नहीं था तो हमने सोचा कि हम ये नहीं करेंगे, और तुम्हारे पापा को इस पर गुस्सा आया और उन्होंने हमारा होने वाला रिश्ता भी खराब करा दिया। अर्षा को 10 दिन में शादी करके US जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कहने की? तुम्हें कुछ पता भी है अपने बेटे के बारे में? पिछली रात वो मेरे घर पर आया और यहाँ आकर मेरी बेटी का हाथ मांग रहा था। क्या मतलब है कि मेरा बेटा तुम्हारे घर आया, वो तुम्हारी बेटी का हाथ क्यों मांगेगा? वो आया था और विस्की की बोतल भी लाया था साथ में। मैं आयशा को जानती हूँ, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बोलता, वो आपसे क्यों पूछेगा? पागल लड़की, तुमने देखा क्या? ये देखो 140 कॉल्स, देख रही हो? देखा कितना बेकार आदमी है? देखो कितनी कॉल्स हैं? देखो ये तुम्हारी बेटी का नंबर है ना, वो मेरे डिसीजन का इंतजार कर रहा है। तो क्यों ना हम लोग पुलिस स्टेशन चले? हाँ क्या हुआ अर्षा, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। पापा मैं आपको सब बताता हूँ। सर ये क्या है? सर मैं समझाता हूँ। मिस्टर धनंजय राव, क्या आप इस मैच के लिए हाँ करेंगे कभी? क्योंकि ये आपकी बेटी को पसंद करता है। उस दिन इसने खुद ही बोला था कि इसे मेरी बेटी पसंद है ना? हाँ। और ये रात में मेरे घर आकर कहता है इसे मेरी बेटी पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है, और इस वजह से इसकी पूरी फैमिली मुझे मारने के लिए आ रही है। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे परिवार के बारे में पता ही क्या है तुम्हें? तुम अपने परिवार के भजन गाते हो और पूरा परिवार तुम्हारे भजन गाता है, इन सब में मैं क्या? पागल, पहले भी पूछा था, जवाब अब देता हूँ, तुम पागल हो। बहुत हुआ तेरा, यू फिनिश ना। ये तो बस एक पेटी केस है, आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा, आइए मेरे साथ। योर ऑनर, अगर सच में इनका लड़का बिगड़ा हुआ होता तो ये बहुत शर्म की बात होती, पर जो भी जवान लड़के को कहा गया वो सब सच है, इसका कैरेक्टर खराब है, ऐसा क्लाइंट ने बताया मेरे। अगर आप परमिशन दे तो मैं विटनेस को बुलाना चाहूंगा, चलो देखते हैं कौन माफी मांगेगा, ये सब कोर्ट तय करेगा योर ऑनर। अब
बच्चा तो बेटा मीनाक्षी, जब तुम इसके घर पर रिश्ता लेकर गई थी तो इसने क्या बोला था? उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें एक मैरिड लाइफ से क्या चाहती हो। क्या ये कॉमन सवाल नहीं है जो हर कोई पूछता है? हाँ? सवाल से क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम सवाल में नहीं थी मिस्टर जनार्दन, इसके एक्सपेक्ट किए गए जवाब में थी। आप बताइए तो जरा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? नीचे मत देखिए, मेरी शक्ल पे देख के जवाब दीजिए। शांति मिस्टर भिंकटरमण। शांति मिली क्या? ढूंढ रहा हूँ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मैडम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? मेरा अच्छे से ख्याल रखा जाए। सपोर्ट सर, प्लीज सर, रेस्पेक्ट सर। देखा सर, इसने ये सारे जवाब मना कर दिए। वो इस जनरेशन से है तो जरूर लव चाहता होगा। उसने ये भी मना कर दिया सर। ये भी मना कर दिया, फिर क्या चाहिए? मैंने भी तो यही पूछा था। उसने मुझे बोला थिंक ऑफ अ वाइल्ड सर। क्या कहा था? सर, मैंने उनसे बोला थोड़ा वाइल्ड सोचो। नहीं सर। नहीं सर, फिर क्या? वो मेरे कानों में आके ये बोला, थोड़ा वाइल्ड सोचो डार्लिंग, ऐसा बोला। भगवान। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने एक गहरा भाव है। क्या उसने अपने दिमाग में जूम लेंस डालकर रखा है? अम्मा। बेटी, आपको जूम लेंस की जरूरत नहीं है, जाओ बैठ जाओ वहाँ पर। अच्छा तो बेटी, इसने आपसे भी ऐसा ही कुछ पूछा क्या? उसने उसका जवाब दिया। क्या कहा था? उसने इडली वड़ा सांबर कहा। इडली वड़ा सांबर, जरूर भूखा होगा। उसका तो असल में भूखा ही होना चाहिए था। हाँ सर। नहीं सर, हाँ? मैंने भी पहले यही सोचा था, पर मुझे बाद में पता, हाँ? चला कि इसकी भूख क्या है। आखिर तुम्हारी भूख क्या सर, है? हाँ? उसे देखो कैसे मुझे सिग्नल दे रहा क्या है। क्या किया उसने? उसके हिसाब से ये बॉडी मेरी नहीं है सर। बाप रे। उसके बाद? अपनी समझता है ये। सर, सुना आपने? इसके हिसाब से वो लड़की की बॉडी उसकी नहीं है, इसकी है। कितना डबल मीनिंग है। बेटे, आप जाओ, मैं देख लेता हूँ। आप जाओ, मैं देख लूंगा। हेलो। बोलो बेटा। मेरी बॉडी मेरी ही है, समझ गए ना? इस औजार में जाने के लिए पैर है, उससे निकलो। तुमने उससे क्या पूछा? सर, उसका मतलब है। मीनिंग क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। योर ऑनर, एक और विटनेस को बुला सकता हूँ क्या मैं यहाँ पर? सर, आपको सनराइज पसंद है या सनसेट? मुझे सनराइज पसंद है बेटी। सुबह ताजी हवा के साथ कॉफी पीता हूँ, न्यूज़पेपर के साथ दिन की शुरुआत कर सकता है ना? लेकिन इसे तो सनसेट पसंद है। हाँ? भगवान, वो क्यों? क्योंकि सनसेट के बाद अंधेरा जो हो जाता है। तुमने कहा धुआं और आग? ये आग है और आग धुआं के पीछे। अरे सर, ये तो तब भी नहीं रुका। इसने कहा शादी के लिए डर्टी माइंड होना चाहिए और ये सब इसने मंदिर में कहा। क्या बेहुदा बात है? अरे बाप रे, मंदिर में भी? किस तरह का अश्लील है ये लड़का? लगता है ये तो गहरा फंस गया। अगर इस केस के लिए डिसीजन चाहिए तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। इतना बखेड़ा करके अब सोच रहे हो? लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? तुम अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? जरा अपने पापा को देखो। हम ही गलत थे। हमें कोई दिक्कत नहीं अगर वो शादी नहीं करता, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्लीज आप केस वापस ले लीजिए। पर मेरी एक शर्त है, तुम्हारे बेटे को 24 घंटे में इंडिया छोड़कर जाना होगा। तू फिर आ गया? तू हमेशा कहता था मुझे 13वीं में होना चाहिए, मैं शादी कराने के लिए नहीं हूँ, और अब मैं तेरी ही सुनूंगा। अरे हाँ, समझ गया, चलो चलते हैं यहाँ से। आ रहा हूँ मैं। मैं तो वो सोच भी नहीं सकता जो तूने उनसे पूछा। तूने ऐसा सबसे क्यों पूछा? अरे तू शादी करना भी चाहता है क्या? हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, सुंदरता और टैलेंट वाली, जो इसकी बीवी बने, अच्छे नेचर वाली, अच्छे घर वाली। और अगर उसकी कुंडली मिलती है तो वो अच्छे घर से भी है, तो और तुझे किस तरह की बीवी चाहिए? एक तरफ हम तेरी एंगेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और तूने उस लड़की का हाथ मांग लिया। तुझे वो लड़की क्यों पसंद है? जो भी सवाल उसने पूछे वो सभी उससे मिलते हैं। वो उसकी वजह से कंफ्यूज हो गया। उसकी बेटी की वजह से हम सबको सहना पड़ रहा है।
चलो उसे दिखा देते हैं। उन्हें दोष देने का क्या मतलब, गलती तो इसकी ही है। तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कमरे में चलकर कहो। अगर उसकी लड़की ने इससे बात की भी थी तो इसका दिमाग कहाँ गया? तुम तो कहते फिरते थे कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है और अब देखो किस हाल में ले आई हमें। देखिए पापा, असल में सुनो, उससे बोलो चला जाए यहाँ से। क्या हुआ भाई? मैं उस लड़की से मिल के आता हूँ। अरे hey, पागल है क्या? परेशान मत हो, बस फ्लाइट में जाओ और सब भूल जाओ। मुझे पूछना है, what do you expect from your married life? उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे चाहता हूँ अपनी married life में। उसका जवाब जानना चाहता हूँ। अबे ओए सुन, मुझे जवाब जानना है। ओए ओए, तुम्हें पता है अंधा आदमी कौन है? वो नहीं जिसने अपनी आंखें खो दी, ये वो है जिसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर किसी के पास उसके खुद के ओपिनियन नहीं है, इडली बड़ा सांभर। आज के लिए इतना ही। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू, थैंक यू। ओए डार्लिंग, तुम क्यों आए हो? आ जाओ। मुझे तो लगा तुम फ्लाइट में होगे, यहाँ क्यों आए? पता नहीं क्यों। क्या? मैंने सब मैचेस मना कर दिए और तुम्हारे घर आया तुम्हारा हाथ मांगने। मेरा परिवार कह रहा था कि मैंने सही नहीं किया। मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सिर्फ मेरा ओपिनियन मैटर करता है मेरे लिए। इसमें कुछ नया नहीं है कहने को। मैंने तुम्हें अभी रिजेक्ट नहीं किया, मैंने तुम्हें तब रिजेक्ट किया था जब तुम इंडिया में थे। यूएस में जॉब करता है, अच्छे परिवार से, इसके पास सब कुछ है। 20 दिन की छुट्टी लेकर आ रहा है यहाँ शादी करने के लिए। बस तुम्हें हाँ कहना है और सब हो जाएगा। मुझे ये भी नहीं चलेगा। तुम 20 दिन के लिए आए, अपनी शादी की तारीख चुनने और दुल्हन ढूंढने, इसीलिए मैं समझ गई कि तुम्हें शादी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि लड़की से क्या मांगे, जो तुम्हारी बीवी बनने वाली हो। तुम्हें तो अपने बारे में भी नहीं पता। मुझे नहीं पता? तुम कह रही हो कि मुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता? शादी करने से पहले यूएस में जॉब सेटल की, मैंने खुद का घर लिया, मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मेरी बीवी को चाहिए होगा, मैंने वो सारी चीजें सेटल करी। मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन के शादी के लिए तैयार था मैं। ये भी काफी नहीं होता एलिजिबल होने के लिए, तुम्हें और एलिजिबल होना होता है शादी के लिए। एलिजिबिलिटी इज मैरिड लाइफ के लिए? अब ये क्या बकवास है? एलिजिबिलिटी का मतलब वो तुम्हारा ख्याल रख सके, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रह सके, कोई भी हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे पीछे रहे मेरी जिंदगी में। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा जो मेरे करीब हो। साथ होने और करीब होने से क्या मतलब है? तुम फिर से पूछ रहे हो। देखो, मैं चाहता हूँ एक एडजस्टेबल नेचर मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि मैं एडजस्ट नहीं हो सकता। Oh my goodness. हाँ बिल्कुल goodness. मैं एडजस्ट नहीं हो सकती और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए एडजस्ट हो। तुमने पूछा था ना, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय मैरिड लाइफ? अगर तुम चाहो तो मैं जवाब दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो बस इडली वड़ा सांबर, माफ करो मुझे। नहीं, मैं चाहती हूँ ग्रेट रोमांस इन माय मैरिड लाइफ। ये क्या लड़की है? थैंक्स। ये कॉफी मुझे दो। मैं एक चीज समझ गया, तुम्हारी सोच असल जिंदगी से बहुत दूर है। तुम्हारी फिलॉसफीज मैरिज के लिए बेकार हैं, वो अफेयर के लिए अच्छी हैं। अब मेरी बात सुनो, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड वाइफ और एक अच्छी फैमिली, किड्स, और उसके साथ में ढेर सारा प्यार। बस हर कोई यही चाहता है अपनी मैरिड लाइफ में। जितना मुझे पता है उस हिसाब से लड़की ढूंढ लूंगा, मैं शादी कर लूंगा और खुशी से रहूंगा। पर तुम पूरी तरह पागल हो जाओगी, समझी? और ये मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का। बाय। मैं सच में पागल हो गया था। डार्लिंग, तुमने काफी काम कर लिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हें सनराइज पसंद है या सनसेट? देखो, मुझे बस सनराइज पसंद है।
I'm a morning person. Did you get that? मुझे तो सनसेट पसंद है। पता है क्यों? ठीक। This video is downloaded from HD Hub for you. क्या मैंने ये सब इसलिए खरीदा था कि मेरी मैरिड लाइफ मस्त होगी? अगर ये सारी चीजें मुझे अच्छी मैरिड लाइफ नहीं दे सकती तो इनका फायदा क्या है? शंकर, शोल्डर शंकर, बताओ क्या हुआ? मैं एक घर बेचने का सोच रहा हूँ, क्या तुम कोई खरीदार ढूंढोगे? तुम किस परेशानी में हो? मैं बस बेचना चाहता हूँ। अरे पर ओए हरा, रो ले भाई, रो ले। ए, मैंने बस एक बायर के लिए पूछा था। करो। हाँ? मुझे नहीं पता क्या तुम्हें क्या चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा था, हमारी भूख थी जिससे मैं लड़ रहा था। रोना धोना कर दे बिल्कुल बैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन। बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन, क्योंकि तेरा बेटा बन गया बैटमास्टर का फैन। चिल्लर गिनने के दिन अब गए, मेरी माँ अच्छा अच्छा खाना बनाए बनाए। खुशी तेरी ये सब पे भारी है, उसके लिए बैटमास्टर के हम आभारी है। क्या कोई अपना घर इस वजह से बेचता है? मैंने तो सोचा था कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस घर में रहोगे। चलो अंदर रोते हैं। क्या? चलो अंदर चल के रोते हैं। स्माइल डियर, वाइड स्माइल। अरे अरे डियर, बी पॉजिटिव डियर। सुनो ना, खाली पेट दुख का कारण होता है। बताओ मुझे तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारी मर्जी। नहीं, तुम्हें बताना होगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ठीक है, चिकन बिरयानी बना के ले आओ। बिरयानी नहीं, सोने में तकलीफ होगी। मैगी लाता हूँ दो मिनट में। सुधा। ए! अच्छा, तुम्हें एक हग चाहिए, तुम्हें एक गरम हग चाहिए। चलो भी, मैंने कुछ पहना नहीं है, तुम्हें अच्छा लगेगा। हर्षा, मैं अपना ब्रश नहीं लाया। शंकर, बताओ क्या तुम लोग इंसान हो? तुम खाने की चीजें खाती या कुछ और? जब कभी भी वो खुश होता है तो तुम सब लोग चेयरिंग चेयरिंग करते हो। जब वो दुख में है और तुम कह रहे हो उसका दुख खुद का है, उसे अकेले छोड़ दोगे? अरे वो दर्द में है, उसकी दिक्कत पूछो और उससे बात करो, उसको कोई सुझाव दो। तुम्हारे पास तो दिमाग भी नहीं है, बेहुद्दा लोग। तुम लोग तो कभी नहीं आते अगर मैं तुम लोगों को कॉल नहीं करता तो। हर्षा, बताओ क्या बात है?
क्या ये इसलिए है कि शादी नहीं हुई या लड़की ने मना कर दिया इसलिए? लड़की ने रिजेक्ट किया उस वजह से नहीं, मैंने ही खुद को रिजेक्ट किया। तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत कहो। उन लड़कियों से जो सवाल पूछे वो मेरे नहीं थे, पर हाँ वो सारे जवाब मेरे थे, मेरे खुद के। और अगर मैं उन जवाबों को पसंद नहीं करता तो मैं खुद को ही पसंद नहीं करता। इतना कंफ्यूज मत हो अपने ख्याल में। मैरिज का क्या मतलब है? इसका मतलब है इलिजिबिलिटी। क्या तुम शादी के लिए इलिजिबिलिटी हो? बिल्कुल तुम हो, 100% मोस्ट इलिजिबल बैचलर हो। अगले साल हम तुम्हारी शादी अच्छी से लड़की से कराएंगे, तुम अच्छे सुपर से सर हो। मैरिज में आखिर होता क्या है? ये बिल्कुल आसान है। क्या वो हमें वो दे रहे हैं जो हमें चाहिए? क्या हम उन्हें वो दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए? बस इतना ही। और तुम्हारे आस पास बहुत से सक्सेसफुल कपल्स हैं, ऐसे परेशान मत हो, भरोसा रखो। हे गणेश, सॉरी गणेश सर, वो समझाया नहीं पर मैं समझ गया। मीटिंग खत्म, ड्रिंक्स खत्म करो और मैगी खाओ और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। वो मुझे हंसाने पर क्यों तुला है? वो ऐसा ही है भाई। हेलो हेलो, तुम्हारा भाई कैसा और क्या है? होगा, एकदम बढ़िया। हेलो 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 सत्या, देखा वो मेरे बारे में पूछती ही नहीं। वो फिर से दुल्हन ढूंढने लग गए मेरे लिए। वो इतनी जल्दी क्यों कर रही है? वो जिंदगी के मजे क्यों नहीं लेने दे रहे? भाई गणेश सर की 25वीं एनिवर्सरी है उनके घर, तुम भी आ। मैं तो इन शादी और सेरेमनी पार्टी से पक गया हूँ, क्या ही मजा होता है उधर। हाँ ठीक है, जाओ तैयार हो जाओ। मैं ठीक हूँ। एक और 25वीं शादी के लिए। क्या हुआ आपको? मैं 2 मिनट में आती हूँ, बस 2 मिनट। मेरा मतलब है छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, आप उन्हें जाने दो। हाँ ठीक है चलो। हर शादी में मुझे अपने परिवार वालों से बस यही सुनने को मिलता है, और आज एक अनमैरिड इंसान भी मुझसे यही कह रहा है। कुछ नया है तुम्हारे पास कहने को? आखिर हुआ क्या है? डार्लिंग, मैं यहाँ हूँ। तुम तैयार नहीं हुई? हाँ बस अभी आई। जाने वाले होंगे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ? 50 लाख 2 कैरेट फाइन कट डायमंड रिंग। हैप्पी एनिवर्सरी। आज रात मैं सब खाने वाला हूँ, तो मना मत करना। मैंने तुम्हें वो दिया जो तुम्हें चाहिए, काम खत्म। बस एक डायमंड रिंग, अरे उसे तो पता भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं एडजस्ट कर लूंगी, भाड़ में जाए। 362 दिन हर साल एक ही चीज कर रही हूँ मैं। तुम्हें मेरी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बता ही क्यों रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड का प्यार इस रिंग में नहीं दिखता। मैं ऐसे ही उसका प्यार महसूस करना चाहती हूँ, उसके बर्थडे, मेरे बर्थडे या सिर्फ हमारी एनिवर्सरी पर नहीं। और अब वो मेरी जिंदगी में से गायब हो रहा है। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ। एडजस्ट नहीं होना चाहती, और नहीं चाहती कोई मेरे साथ एडजस्ट हो। तुमने कहा नहीं तुम जा रहे हो? तुम लंदन आ रहे हो ना, हम वहां बहुत मजे करेंगे। ठीक है। क्या हुआ? मुझे लगा बहुत मजा किया होगा तुमने पार्टी में, मुरझाए हुए लग रहे हो, क्या हुआ? What do you mean by married life? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं डार्लिंग? नहीं वो बात नहीं है। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूंगा, मैगी मसाला स्प्रिंग ऑनियंस के साथ, फिर तुम्हारा मूड एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ। अगर मैं जवाब जानता तो मैं यहाँ नहीं होता। मुझे पता नहीं तुम अभी कैसे हो शादी टूटने के बाद, पर मुझे काफी बुरा लगता है। तुम्हारी बहन और मैं तो
साथ में भी नहीं है। तुम्हारे शादी के बाद हम सबको बताने वाले हैं कि हम अभी साथ नहीं हैं। क्या हुआ? वो समझते क्यों नहीं है कि मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ उनके लिए? हाँ, वो एक लग्जरियस लाइफ चाहती है और मैं उसके साथ रहूँ, कैसे होगा? मैंने तुम्हारे भाई से कहा, पर उसके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चालू है। उसने तो ये भी कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स तो सिर्फ बाहर से खुश दिखते हैं, ऐसे में उनकी भी नहीं बनती। hey, अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो कमरे में चलकर कहो। क्या दिक्कत है, आ जाओ, पैर पे बैठ जाओ, तुम्हें बेडरूम लगता है, जाओ ऐसे। मैं समझ गया हूँ ये मैरिज लाइफ बेकार है, बैठ जाओ। असल में किसी को पता नहीं होता है कि मैरिज लाइफ क्या होती है। तुम्हें सिर्फ चीजों को दबाना होता है। अगर तुम कर लेते हो तो सब बढ़िया है, अगर नहीं तो मैरिज लाइफ खत्म। पर सवाल यह है, तुमने जो पूछा वो सही है। हम सिर्फ करोड़ों रुपए कमाते हैं, पर हमें नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें यह सवाल का जवाब पता है तो मुझे बताओ। मैरिज के लिए एलिजिबल होना ही काफी नहीं है, तुम्हें मैरिड लाइफ के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए। क्या लगता है, मैरिड लाइफ के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? जो स्टोरी इसने हमें बताई है उसमें तो बस दो ही रोमांटिक दिन हुए और हमारी स्टोरी में पूरा साल हो गया है। क्या कह रही हो यार, तुम मेरा बर्थडे भूल गए। सॉरी यार, वहां तक मत जाना अभी। ब्रदर, तुम्हारी ये कहानी और सुनना अब हमारे बस की बात नहीं है। तुम एक काम करो, बताओ कहाँ छोड़ना है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब नहीं, स्टोरी से ही कंटिन्यू करते हैं। मैं विभा के बारे में जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है वो मेरे बारे में सही थी। मुझे शादी के बारे में कुछ पता ही नहीं। मुझे नहीं पता लड़की को शादी के बाद क्या चाहिए, और आखिरकार मैं तो खुद के बारे में भी नहीं जानता। मुझे लगता है कि मुझे और नहीं सुनना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैंने तय किया कि मैं विभा के सवालों का जवाब बनूंगा। हमने 9000 रातें बिताई हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ और हमने 25000 मील्स भी खाए हैं। हम 100 से ऊपर वैकेशंस पर भी गए हैं और तो और हमें बहुत सी चीजों के बारे में बातें भी करनी चाहिए। जितना जल्दी मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं शादी करूं, मेरी मम्मा ने बोला कि वो मुझे खाना बनाना सिखाएगी। मैंने बोला अगर उन्होंने मुझे सिखा दिया अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने।
बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। ऑनलाइन 24 घंटे व सातों दिन अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें। बताओ क्या चल रहा है? अ फ्यूचर कंपनी टीम वालू मनम अनइंप्रेस्ड एंड स्टैंप फेस विल पे हरू। क्या आपको कोई संबंध नहीं? नो, वाले तो टाइप पावडर मन की यंत्र इंपॉर्टेंट तेल सा। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? वो कहाँ है? इपड़े कैफेटेरिया के वेल्लर। आई नीड आंसर्स। Impressed. क्या impressed? तुमने हमारी कंपनी से संबंध तोड़ने का सोच लिया? I'm impressed. हम बिजनेस करना चाहते हैं। हमने तुम्हारी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस देखे तो हमने समझा कि तुम्हारी कंपनी इसके लायक नहीं है। ये सिंपल है। कॉफी? मुझे तो ये वर्ड ही पसंद नहीं है। ओके, तो एक और कॉफी? हाँ? किसके लिए? तुम्हारे लिए। हाँ? मैंने बताया ना नहीं पसंद। तुम ट्राई कर सकती हो। हे, क्या हम गेम खेलें? डायमेंशन का इस्तेमाल कर रही हो, पर एक और डायमेंशन है। डेप्थ। तुमने बस कंपनी की लॉस स्टेटमेंट देखी, पर तुमने हमारे वर्कर्स का हार्डवर्क नहीं देखा। हम बैलेंस शीट बदल सकते हैं। ये हमारी कंपनी का एक्सपेक्टर है। हम अच्छा बिजनेस चाहते हैं। कॉफी बस एक शब्द नहीं है, ये एक टेस्ट है। हाय, आरो कंपनी फ्यूचर कंपनी से संबंध तोड़ती हो गया। पार्टी मैन, एक कॉल आया है, मैं बात करता हूँ। Yes. क्या तुम उस लड़की चीनू से यूएस में मिले? अरे आपको कैसे पता? ये तो कंपनी की बात है। और तुमने उसके साथ कॉफी भी पी? मैंने उसे कॉफी के लिए मनाया। उसकी फैमिली हमारे घर आई थी एक और कॉफी के लिए। ये अच्छा होगा अगर चीजें सही हो जाए। सच में? मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही थी हर्षा, वो यहाँ आया था तुम्हारी शादी के लिए। क्या मतलब शादी के लिए? पापा, मैं इस मैच के लिए हाँ नहीं कहता जो तुम्हें चाहिए। मैं उस मैच के लिए हाँ कहूंगा जो आकर हमसे मिले। पापा, तुम्हें बस यहाँ 2 दिन पहले आना है अपनी शादी से। हाँ, ठीक है। क्या जो मैंने सुना वो सच है? पहली ही मीटिंग में लड़की को तुमने शादी के लिए मना भी लिया। तुम सुपर हो ब्रदर, कांग्रेचुलेशंस। तुम अपने जोक्स बंद करो और उसे सुनो। तुम बताओ ब्रदर। मुझे ऐसा लगा जैसे विभा के सिवा कोई नहीं है जिसके साथ मैं चैन से अपनी जिंदगी बिता पाऊंगा। वो सब करने को तैयार था जिससे विभा को मैं अपनी जिंदगी में ला सकूं। तुम बोल रहे थे तुम बहुत खुश थे और तुम्हारे परिवार वाले भी मान गए थे। इससे पहले मुझे विभा को बताना था। मैंने सबको बता दिया कि मैं शादी के 2 दिन पहले आऊंगा।
पर मैं 10 दिन पहले ही निकल गया था विवाह के लिए। अगर कुछ भी है तो उसके परिवार वालों को कह दे। मैं उन्हें क्या बोलूं? शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देता। उन्हें बताना है कि मैं क्या चाहता हूं। तो उस लड़की का क्या? अम्मा की नहीं करेक्ट कादन चप्पल कदरा अन्नीट की समाधान हम विपाने। आया आंटी। तुम कौन? जरा सोचो। नहीं पहचानती। तो तुम हो? मैं विभा से मिलना चाहता हूँ। वो यहाँ नहीं है। वो कब आएगी? वो नहीं आएगी, उसने घर छोड़ दिया है। क्या हुआ आंटी? तुम्हें पता है ये केस मेरे पति ने वापस क्यों लिया? चलो चलते। डैड, बहुत हो गया, ये केस वापस ले लो। मैं केस वापस ले लूं पर आखिर क्यों? मतलबिन माटलनी नींद चप्पिनबे छोड़ दीजिए। ये सब खराब हो गया तब से। कोई लड़का अगर ये सब करता है तो लोग उसको बुरा कहते हैं, और कोई लड़की ये बोले तो लोग उस पर थूकते हैं। जब हमने तुमसे पूछा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ, तो क्या तुम यही सारी बातें बोलोगी? ये सब क्या है? तुम लोग 25 साल से शादी करके बैठे हो तो तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी अच्छे से लड़के से शादी करो। तुम्हारी शादी जल्दी कराऊंगा मैं। तो आप मेरी शादी जबरदस्ती कराएंगे? उसने सबको रिजेक्ट कर दिया और करती ही चली गई, और वो उन सबका मजाक बनाती रही। तुम्हें देखना चाहिए था, आखिर में विभा ने एक लड़के को पसंद भी किया था, और मैं काफी खुश थी कि मेरी बेटी कम से कम शादी तो करेगी। पर फिर पता नहीं उसे क्या हो गया, उसे लगा कि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का डिमांड करने लगा और फिर उसने उसको प्रूफ किया। तब से उसने जोक मारना भी बंद कर दिया। वो अपने पापा का प्रेशर नहीं ले सकी। उसने तय किया कि वो शादी नहीं करेगी और उसने घर छोड़ दिया। बेटा, मुझे नहीं पता तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, पर मेरी बेटी अब और दर्द सहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। नहीं बता सकता कि विभा को मैं कितना खुश रख सकता हूं हमेशा, पर एक बात तो है, मैं उसे कभी दुखी होने नहीं दूंगा। आपकी बेटी घर आएगी। उसने? मैंने उसे बताया कि उसके पापा ने हाँ कर दिया है। क्योंकि मैं अपने पापा को नहीं मार सकती, इसलिए। मुझे मना करने से पहले 10 मिनट में ले लेना। तुम्हें पता है कि मैंने घर क्यों छोड़ा? तुझे पता है कि वो तुझे मार रही थी, फिर भी तू उससे सवाल पूछ रहा था। उसने तुम्हें मारा क्यों? मैंने बोला ठीक है मारो, लेकिन दोबारा कब मिल सकती हूँ? मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, समझे नहीं क्या? वो पागल है भाई। समय में तैयार हूँ अरे सोने के लिए। चलो बात करने के लिए मिलते हैं। किसने लिखा ये? पढ़ो। ये कोई फैन होगा। जब मैं इसे देखूंगी तब इसे मारूंगी। क्या ये तुम्हारा प्लान है? अरे तुझे लगता है तेरे पास बहुत टाइम है क्या?
मुझे लगता है काफी होगा उसे दिखाने के लिए कि मैं बदल गया हूँ। उसकी सोच बदलने के लिए मुझे बताना होगा कि मैं बदल गया हूँ। वो लड़कों को मार रही है तो तुम उसे कैसे मनाओगे? मैं बिना उससे मिले ये करूंगा। मतलब ये कूल है? ले, मैं भी इसी दर्द में हूँ। मुझे लगा कि शादी करेगा, पर देखो इसे। रुको रुको, लो लो भाई। मेरी बाइक है। ओ, तुम्हारी बाइक है, माफ करना। ये क्या है, वो आएगी भी या नहीं? ए, चिल करो। लो लो बाइक हो। हाँ चलो फिर, मैं वेट कर रहा हूँ। लेट क्यों हो? सर आपने तो अभी राइड बुक की है, ओटीपी बताइए। रुको, क्या सर? ओटीपी? सर जोर से पूछो, सर ओटीपी बताइए। 4357। ये रहा। क्या विभा? हाँ विभा है। तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लड़की के नाम जैसा है। हाँ तो है? आप कंफर्टेबल रहिएगा मैडम, मैं आपको बिना किसी परेशानी के छोड़ूंगा। 5-स्टार रेटेड ड्राइवर हूँ। क्या मतलब? आप तो कह रहे थे आप 2.5 स्टार वाले हो। विभा मैम, हाँ आप कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी मूड नहीं बनाया, चलते रहो। हे! अरे 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 अरे! क्या हुआ? रुको यार। क्या यही मतलब था 5-स्टार ड्राइवर से? ये गलती से हुआ मैम, रेटिंग से क्या होता है, कुछ भी नहीं। अबे चल चल, वो जा रहे हैं, चल चल चलाते रहना। बस एक अचानक वाली ब्रेक से आप मुझे 2.5 रेटिंग देंगी? मैंने उस डॉग को बचाया तो आपको मुझे 5-स्टार देने चाहिए। आप क्या करती हैं मैडम? स्टैंड अप कॉमेडी। लोग कहते हैं आप खुशहाल जिंदगी जीते हैं और आप लोगों को हंसा के मस्त रहती हैं। ये मस्त जॉब है। मैं ये करना चाहती हूँ पर लोग कहते हैं कि ये एक रिस्क है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। तुम्हारी लाइफ का क्या? मैं क्या ही कहूँ मैडम, ये एक पानी की बूंद है कमल के पत्ते पर, मुझे नहीं पता ये कहाँ पर जा रही है। वही रोक दो। हाँ, ये, रोक, रोक, ये रोक, क्या कर रहे हो? क्या तुम 15 मिनट वेट करोगे? क्या हुआ बे? वो चाहती है 15 मिनट वेट करो। 15 मिनट इंतजार कर, देखिए वेटिंग का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके। अरे सर ये क्या कर रहे हो? इंतजार। हाय। हेलो। आपने कहा था आप मुझे एक स्लॉट देंगे स्टैंड अप के लिए, तो मैं इस वीकेंड प्लान बना लूं? मैं तुम्हें इस हफ्ते स्लॉट नहीं दे सकता। तो आप मुझे वेंसडे को वो स्लॉट दे देना, आप शो के बाद बता सकते हैं। ओह सॉरी मैडम, ये बिजनेस है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। होप यू अंडरस्टैंड। रिस्क लेना ही मेरा सबसे बड़ा रिस्क है। आपका काम हो गया मैडम? मैंने उन्हें वही चीज कही जो तुमने मुझे बताई और ये काम कर गए। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोला बाइक राइडर नहीं हो। अच्छा आपको ऐसा किसने कहा? मैं तो पूरा दिन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर आप चाहती हैं तो देखिए। गुड जोक। क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं। कर लीजिए, मेरी तरह होगा तो आपका हस्बैंड आपको रोज खुशी भेजेगा। नहीं। आपकी फैमिली आपके फैसले से खुश होगी? मैंने उन्हें बताया है। आपने बताया? काफी हिम्मत वाली हैं। घर वालों को कैसे बताओगे? वो तुम्हारी टेंशन नहीं है। मुझे बताइए ना मैडम, मुझे आपकी जैसी लड़की मिली थी एक बार। मुझे किसी से मिलाइए मत, बस बताइए कि आप क्या फील करती हो। यही मैं कर रहा हूँ। थैंक यू। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पहले घर चलो। घर में रहने वाली लड़कियों के लिए ही रिश्ता ढूंढने में दिक्कत होती है, और अब तुम बाहर हो, तुम्हें पता ही कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल पता है तुम्हें, और तुम बहुत ही अजीब हो। और ए हेलो बॉस, तुम क्या सुन रहे हो? कोई तमाशा चल रहा है, निकलो यहाँ से। तुम्हें नहीं जाना बेटी, चलो घर चलो। और घर चल के जितने जोक मारना है मार लेना। मेरा कोई मूड नहीं है जोक मारने का। ए हेलो रुको, प्लीज मुझे घर तक छोड़ दो। मेरा घर तुम्हें कैसे पता? वो आपको सब जानते हैं। हो सकता है मेरी बेटी आपके साथ घूमती है ना? आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे साथ मजा आया। वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? रुको जरा,
हेलो। हाँ, क्या हलो? वो आदमी अभी भी वही है? हाँ वो है, पर क्यों? उसे पकड़ कर रखना। ओए रुक जाओ, उसने क्या किया? उसके साथ सेल्फी लेके भेजो। सेल्फी क्यों? ए यार जरा ये देखो, तैयार। ओह गॉड, उन्हें एक सेल्फी लेनी नहीं आती और शादी कराने चले हैं। हेलो, अगर आप मुझसे मिलना चाहती तो बता देती, पापा के साथ सेल्फी क्या करेंगी? अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो तो मिल लो आके। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। हे हेलो, मार दो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने कहा कि तुम बाहर जाओगी, क्या मैं ओला बुक करूं? ठीक है। नहीं ठीक है। मैं आज एक मूवी देखना चाहता हूँ। ठीक है बुक करो, मैं इस बंदे से निपटने वाली हूँ। ओके। तुम्हारा क्या प्लान है? मैडम काम के बाद मैं मूवी देखूंगा। ओह, अपना हेलमेट हटाओ। क्यों मैडम? मैं देखना चाहती हूँ तुम लूला ड्राइवर हो भी या कोई और हो। मैडम ओटीपी बताइए। 6721। विभा, क्यों क्या हुआ? तो वो कौन था? कहाँ चलना है मैडम? चलो मूवी देखने चलो। जब आपने ऑफिस मिस किया मुझे देखने के लिए। ऑफिस? यार ये तो मस्त है। तो क्या? वेल आई, वो मुझसे पूछ रही है। क्या प्लान? ये अजीब है। मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ मूवी देखूंगा पर तुम्हारी बगल में बैठ कर नहीं। अब देखो मूवी मेरे साथ। मैंने आज का मस्त प्लान बनाया है, रात का डिनर। नहीं नहीं, रात को रिसॉर्ट। माफ करना मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं है, मैं ही सही आदमी हूँ। अरे सुनो तो बेबी, ए, क्या पागल? ए, अरे कौन है तू? सच्ची लगी क्या? उसने बड़ी कस के मारा। किसने मारा? नहीं पता यार, मुझे नहीं पता था वो बॉयफ्रेंड के साथ है क्या। बॉयफ्रेंड नहीं, हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? वो बॉडी सिर्फ मेरी। तो क्या तुम्हारी बॉडी को मारू तो चलेगा? ये रही उसकी बॉडी। हे भगवान, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? माफ करना सिस्टर, मुझे पता नहीं था कि आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। उसने बहुत मारा, तुम और तुम्हारा अभी मजे से रहो। हे भगवान, फिर मिलते हैं सिस्टर। पागल, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे।
मैंने तुम्हें घर पहुंचा दिया और तुमने थैंक यू भी नहीं बोला। लगता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, एक लड़की को ही कहना चाहिए। ठीक है, क्या करना होगा बुलवाने के लिए? आसान है डियर, मैंने किसी से एक जोक में कहा था, उसे मुझे सबके सामने गलत बताना होगा। मैं फिर से नहीं कह सकती। किसी और के बारे में बात करो, मैं अलग इंसान हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे हस्बैंड भी नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, और मुझे मेरे आसपास भी कोई नहीं चाहिए। बस छोड़ दो मुझे अकेले। सुनो, कल पूजा है वेंकटेश्वर मंदिर में, तुम्हें कल आना ही होगा। आने के लिए थैंक्स। मैं मंदिर आई हूँ। अरे मैंने ही तो बुलाया था। मेरी मम्मी ने बोला इसलिए। मैंने ही तो मम्मी को कॉल किया था। मजाक मत करो। प्रूफ चाहिए? आज तुम्हारी मम्मी बालों में रोज लगा के आएंगी, देख लेना। मम्मा, अब तुमने वो क्यों भेज दिया जो पंडित जी ने दिया था? दिया था। मैं लोला नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ। आपकी बात नहीं कर रही थी। ओ, शुक्र है। गुलाब के लिए थैंक्स। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए कार्तिक पूर्णिमा वाली पूजा कर दीजिए ना, उसे एक अच्छा पति मिलेगा। पूर्णिमा पर आ तो कार्तिक पूर्णिमा नहीं। मुझे तो मैसेज आया था, आप करी था क्या? मुझे मैसेज क्यों आएगा? क्या आपको पब्लिक नंबर और प्राइवेट नंबर का अंतर नहीं पता? तुम्हें समझ जाना चाहिए था जब उसने तुम्हारी बेटी कहा। मैं सच में पागल हो गई हूँ, मुझे लगा पूजा करने से तुम्हें अच्छा पति मिल जाएगा, तो क्यों ना पूजा कर दूँ। मुझे यकीन नहीं कि भगवान एक अच्छा पति ढूंढ के देगा। नहीं नहीं पागल, यही किस्मत तय करते हैं। देखो मुझे मैसेज वाले नंबर से फोन आया है, देखा ना तुमने? एक सेकंड। हाँ, तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ किया? प्रार्थना करो। विधा, धनंजय लाइने, किसी ने आपको कॉल किया? उन्हें बोलूं मैं वापस कॉल करूंगी। सुन तो लियो करा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें समझने की कोशिश। तुम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? तुम जरूरत से ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। तुम्हें यहाँ मैं लाया, तुम ये मानती नहीं, फूल की बात पे गोली ही मार दी। अरे जब मैंने बोला चलो मिलते हैं तो तुमने मना ही कर दिया। तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। तो क्या? सुनो, दो कारण होते हैं इस कंफ्यूजन के, एक है शादी और दूसरा है अकेले मरना। ये तो और भी बुरा है। करने लगे? ये कैसी बातें कर रही हो? चलो चलते हैं। क्या हुआ सर? क्या? कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि आपका बेटा कहाँ है। आप मेरे बेटे को लेकर क्यों परेशान हैं? वो अब शादी करने वाला है, अभी यूएस में है, 10 दिन में आ जाएगा। सर सर सर, अब क्या हुआ? क्या वो आएगा या वो पहले से आ चुका है? ए, क्या बोल रहा है? वो तुम ही थे ना जिसने मेरे घर पर फ्लावर पॉट तोड़ा था? हा? अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तेलुगु मूवीज में। बस करो बस करो। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका बेटा यहाँ पर नहीं आता है तो ठीक है, पर अगर मुझे पता चला कि वो यहाँ मेरी बेटी के पीछे है तो। क्या बोल रहे हो, नशे में हो क्या तुम लोग? चुप रहोगे? समझने की कोशिश करो। मेघा, वेडिंग इनविटेशन लेके आओ। नमस्ते अंकल। वाली बहू,
भाई कौन है? ये लड़की के पापा हैं। ये मेरे बेटे के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। इनविटेशन दो इन्हें। प्लीज शादी में जरूर आना। चलो चले। सर आप अपनी बेटी की शादी भी जल्दी ही करा दीजिए, आपको भी आराम मिलेगा। आने से बताओ कि मैं क्या चाहता हूं। तुम्हें जो चाहिए वो है आशा, एक बेकार की आशा। मैंने वो तुम्हारे लिए लगाया है, बता देना अगर नहीं ले सकती। चलो इससे साथ में उठाते हैं। के देखोगी नहीं? मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हें वो आशा नहीं दे सकती जो तुमने मुझे दी। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। मुझे 16 साल हो गए हैं जब मैंने अपने पापा को देखा किसी और औरत के साथ। जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारी माँ से नहीं मिल रहा था, तो तुम अभी भी मम्मी के साथ क्यों हो? इसलिए मुझे डर नहीं लगता जब मैं लोगों को ऐसे देखती हूँ। पर जो अपनी शादी में ही दूसरे के करीब नहीं रहते, मैं उनसे बहुत डरती हूँ। तब से मैंने तय किया है मेरे लाइफ पार्टनर को मुझे सब मिलना चाहिए, और उसी सोच में वो भी कि मुझे उसे सब कुछ मिले। मैं अपने हस्बैंड से शादी करना चाहती हूँ, ये मेरा सोचना है। पर मेरे पापा तो किसी से भी किसी के भी साथ मेरी शादी करा दे, वो मुझे परेशान करते रहते। यही मैं सोचती हूँ जब मैं अपने पति को ढूंढने का सोचती हूँ। बाद में मुझे यकीन हुआ, जल्दबाजी में गलत शू चुन लिया। शायद मेरे डैड सही थे। शायद मेरी दिक्कत यह है कि मैं बाकियों जैसी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक बुरा जोक बताऊं? कैसा जोक है? एक तालाब में बहुत सारे मेंढक होते हैं। कुछ मेंढक आसमान को देखते हैं। वो आसमान में कुछ देखते थे, उन्हें लगता था कि ऊपर कुछ है, और वो कूदना शुरू कर देते थे। और जो मेंढक सबसे नीचे था वो कहता रहता था कि वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पर। वो ऊपर वाले मेंढक बस सुनते ही रहते थे, वो कूदना बंद कर देते हैं और सब सही। पर एक मेंढक नहीं रुकता, कूदता रहता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो बहरा होता है।
तुमने कहा ये बेकार जोक है। अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर अचानक वो बहरा मेंढक सुनने लगता है। वहां ऊपर कुछ नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, वहां ऊपर कुछ भी नहीं था, ऊपर कुछ भी नहीं था। तुम्हें बहरे मेंढक से कुछ याद आया? तुम्हारे स्टैंडअप हमेशा हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ही क्यों होते हैं? क्योंकि उन हर जोक के पीछे एक दर्द होता है। तुम डरती हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अगर तुम उस दर्द से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें खुद में किसी नए को ढूंढना होगा। चलो कुछ मस्त जोक ढूंढते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। विभा, मैंने सुना कि तुमने घर छोड़ दिया। हाँ, hey, पता है रिजेक्ट होने के बाद कैसा लगता है? hey, क्या दिक्कत है? Stop it. इसलिए क्योंकि नहीं पता है मैं शादी कर रहा हूँ। Hey, तुम इतनी हॉट हो कि शादीशुदा भी पागल हो जाए। एक चांस दे दो मुझे, बस एक ही चांस। तुम हमेशा एक मिनट देती हो ना, मुझे भी एक मिनट चाहिए। मैं कह रहा हूँ तुम्हें पछतावा नहीं होगा, बस एक। hey, रुको, रुको, hey. शांत हो जाओ। ठीक है, चिंता मत करो, पहले शांत हो जाओ। मैं कह रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। आऊं? ठीक है, फिर शांत हो जाओ। सुनो, तुम अकेली नहीं हो, भरोसा रखो, तुम अकेली नहीं हो। अब बैठ जाओ प्लीज। हेलो, हेलो, मेरे लिए कुछ गाओ। जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक ऑनलाइन रहो। अरे अरे प्लीज, इतना भी मत डरो। तुम सही कह रही थी, मैं कचरा हूँ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कोई है तुम्हारी जिंदगी में। मेरी बात सुनो, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हें विभा जैसी लड़की मिल जाए। और तुम एक मिनट मांग रहे थे। तू है कौन मुझे बोल रहा है? उसने कुछ और भी कहा था। अगली बार वो तुझे देखे और तुझे याद करे तो उसे डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उसे खुश होना चाहिए। थैंक यू। Smile.
तुमने सुना था जब मैंने बताया था, जब मेरी बेटी जिसने कि अपने पापा का घर छोड़ दिया तो मुझे लगा मेरे पास एक सन लॉ होगा और फिर मैं इसके साथ फंस गया। तुम कब आए पापा? तुम कब आए? इसे पूछो कि आखिर ये आया क्यों है। मैं विवाह के लिए आया, ये शादी मेरे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए सही नहीं है? तुम पागल हो गया अपना लाइफ पार्टनर चुनने में इतना बखेड़ा? वो पागल से सवाल जो उस लड़की ने तुमसे पूछे हैं, इसके बाद तो तुम्हें असलियत दिखी गई होगी। वो सब असली नहीं हो सकता। सबको जोड़ कर रखना ये कर सकता हूँ, यही क्वालिटी है एडजस्टिंग की। एक कामयाब मैरिड लाइफ के लिए और भी एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। जबकि हम सबको असलियत पता है, तब तक हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आता, तुम बहुत कंफ्यूज हो मोस्ट एलिजिबल मैरिज को लेकर। आप नहीं समझ रहे पापा, अच्छी शादी के लिए
और भी चीजें होती हैं। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। कहाँ है वो? वो आएगी। वो नहीं आएगी। वो आएगी। नहीं आएगी। तुम इसी से मिलने वाली थी क्या? तुम्हें इसका नाम तो याद होगा ना हर्षा? इसकी शादी है 3 दिन बाद। पिछली बार ये मुझसे मिलने आया था शादी से पहले, और अब वो एक बार फिर से आएगा मिलने के लिए। क्या वो ढंग से नहीं आ सकता? और तुम्हें लगता है कि सिर्फ वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है ना? हम एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं और तुमने बताया एक और रास्ता भी है, तो फिर बताया क्यों नहीं? जो मैंने कहा तुम समझे नहीं, मुझे प्रूफ करना होगा और प्रूफ करने के लिए मुझे विवाह चाहिए। तुमने उसे कई बार कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, लगता है वो हर्ट हो गई होगी। अगर हर्ट होती तो वो उसका भी जोक बनाएगी, और जब तक ये होगा तब तक मुझे आशा है। ठीक है, हमें भी टाइम हो रहा है, एक शादी अटेंड करनी थी। तुम बताओ कहां पर छोड़ूं तुम्हें? किसकी शादी में जा रहे हो? मेघा। हर्षा, तुम मेघा को कैसे जानते हो? मेरी कजिन है ब्रदर। मैं हर्षा। अरे बाप रे। डियर, तेरी दिक्कत क्या है? डियर, तुम्हें पता है जिंदगी अच्छी हो सकती है शादी के बाद भी। बताओ मुझे क्या दिक्कत है, बताओ, चलो बताओ भी मुझे। तुम्हारे साथ रहने में मूड खराब होता है। मूड खराब तुम्हारा? मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? मैंने तुम्हारे स्नैग लुलाब इसका ख्याल रखा और मैगी भी बनाई। बस करो यार। पहले मुझे लगा कि मुझे एक कंधा चाहिए पहली बार। मुझे कंधा नहीं चाहिए, बस जब कुछ ना हो चले जाना चाहिए। चलो डियर। तुम विभा को जानते हो? अरे क्या मतलब है तुम जानते हो? वो एक बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन है। शादी के समय सब बेकार हो जाता है, इस बार ये स्टैंड अप टाइम होगा। चलो तैयारी करें। ये क्या है, वो लड़की क्यों आएगी यहाँ? शो चिड़न को चिंदी नवीन चिवड़ पोतुंदी। हमें खुश ना करे चलेगा, ये अच्छा ही होगा कि वो हम पर चोक ना बनाए। हर्षा, विभा बहुत दुखी होगी, मुझे नहीं पता वो कैसे जोक मारेगी। काश वो जोक तुम्हारे ऊपर ना हो। For the first time in Indian history, physics, chemistry and geography. Ek stand-up wo bhi shaadi mein. This is Vibha. Congratulations, dulha aur dulhan ko. Thank you. Husband aur wife ke jokes to mere hamesha ke hai. Hey, hamare upar jokes banana band karo. Kyun nahi? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं अपने बारे में बात करती हूँ। एक आदमी है जिसने मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर दी है। उस
जिसका नाम है सुबू, माय फादर। जो तुम सोचते हो सही है, उनका नाम है सुब्रमण्यम। पर अगर तुम मेरी कहानी सुनोगे, तुम्हें लगेगा उन्हें सुबू कहना भी खतरे से खाली नहीं है। सच में हाँ, इतना ही परेशान करते हैं मुझे। अगर मैं सुबू से ये चीज पूछूं, तो वो कहते हैं मैं वो हूँ जो दूल्हों को मना करके उन्हें टॉर्चर करती हूँ। वो तो हमेशा फोटो दिखाते रहते हैं। मैं तो राजा ढूंढ रही हूँ, पर वो सभी कार्ड जोकर्स के हैं। मैं किसे चुनूं जबकि सभी जोकर हैं? गेम बंद, मैं भाग गई। सच में तभी वो आया, मेरा प्रिंस। मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। मेरा प्रिंस मेरी चिंता करने लगा और मुझे डेटिंग नोट भेजने लगा, मेरी ही नोटबुक में, और मुझे ही पता नहीं। मुझे लगा ये भी कोई जोकर होगा सुबू का भेजा हुआ। और फिर मुझे लोला बाइक वाला मिला और फिर उसने बातें करनी शुरू करी। मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया। जब मैं बाइक से उतरी तो मुझे पता चला वो लोला ड्राइवर था ही नहीं, वो पागल था जिसने मेरी बुक में नोट लिखा। फिर मुझे लगा सुबू का जोकर इतना स्मार्ट तो नहीं होगा, तो मैंने उसे मिलने का चैलेंज दिया और मैंने बोला चलो सब सुलटा लेते हैं शादी का भूत उतारने के लिए। उसने पिंक बलून लगाना शुरू कर दिया जिस पे होप लिखा था। होप मुझे ताकत देगा है ना? उसने मुझे वो ताकत उस बलून से दी। मैं उसके बारे में सोचते हुए शहर में घूमी, फिर मैं एक आदमी से मिली। वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था और मैं कांपने लगी। मैंने पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा उसे एक चांस चाहिए और मैं जैसे तैसे उस आदमी से बचकर आई, पर मैं फिर भी कांप रही थी। फिर मुझे लगा कि डर से बचने के लिए किसी से बात करती हूँ। फिर मैंने पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट ढूंढा। फिर मुझे लगा मुझे किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगा मैं सुबू को कॉल करूँ। मुझे पता था फिर वो पूछेंगे मुझसे तुम वहां क्यों गई, वो मेरी हालत समझेंगे भी नहीं। फिर मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ये मायने नहीं रखता तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने नंबर हैं। हमें बस एक इंसान चाहिए जिससे हम अब सब शेयर कर सकें, सब कुछ। शायद इसलिए लोग शादी करते हैं। तभी मुझे उसका मैसेज आता है, शांत हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो। उस शब्द ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गाए मेरे सोने तक। वो तब तक गाता रहा जब तक मैं सो नहीं गई। बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। जो भी डर मैं सह रही थी मेरे पापा की वजह से, वो सब चला गया, सब चला गया। उसने मुझे बताया कि उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। मैंने उसे मिलने का सोचा। मैं उसे मिलने का सोच ही रही थी कि मेरे पापा ने बताया ये वो है। फिर मेरे पापा ने एक शॉकिंग खबर दी कि वो शादी करने वाला है। और जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि मुझे चीट हुआ। वो मेरे पास इसलिए आया जो मैंने उसे पहले बोला था। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे लिए होगा, पर मुझे लगा कि वो मेरे शब्दों के लिए आया था। क्या वो सच में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था, इतना कुछ? उसने कहा अपनी स्माइल को होल्ड करो। क्या वो ही इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फैमिली मुझे अपना ले? जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं
अभी भी उसे देख रही हूँ गले लगाने के लिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी गले लगा भी पाऊंगी या नहीं। माफ करना कहानी रोकने के लिए। मैं रुक गया, अब बोलिए। जो भी तुम करना चाहते हो, शादी या और कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे रहो। अभी से तुम और मैं अलग हैं, पर जाने से पहले उस लड़की से माफी मांग लेना। सुनो मेघा, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू और बताऊं कि विभा से शादी करना चाहता हूं? विभा ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता है, मैंने ही उसे बुलाया। पर अंकल, मुझे लगता है कि आप हर्षा को नहीं समझे अब तक। बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता था और आपको समझना चाहिए था। आपने कहा था वो मेरे साथ नहीं आएगी, अब वो लड़की यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी बातें समझना क्यों नहीं चाहते। आपने क्या कहा था? मैरिज लाइफ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज है या और भी कुछ है पापा? वो हमने विभा के शब्दों में देखा, रोमांस, यही है सही एलिजिबिलिटी। विभा से मिलते ही मैंने उससे पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? और मैं पागलों की तरह वो बोल रहा था जो मुझे पता भी नहीं। बाद में पता चला रोमांस ही सबसे बड़ा प्यार है। मैं एक रोमांटिक मैरिड लाइफ चाहता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हारा कहना हम बिना रोमांस के शादी करके बैठे, ऐसे ही तो हमारे बच्चे हुए हैं। चाचा मैं कैसे बताऊं? आप प्यार के बारे में जानते हैं? जब रोमांस के बारे में बोलता हूँ तो गलत मतलब क्यों निकालते हो? रोमांस कुछ ऐसा नहीं होता जो 10 मिनट की मैच मेकिंग में बन जाता है। रोमांस मतलब प्यार दिखाना, जताना। हर कोई ये कहता है कि वो प्यार में है, पर उनमें से कितने लोग अपना प्यार दिखाते हैं? तुम कैसे कह सकते हो कि हम नहीं दिखाते? मैं दिखाता हूँ। रुको, रुको 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 रुको, तुम अपना प्यार दिखाते हो? मतलब गिफ्ट खरीद के टेबल पर फेंकना, वो प्यार है? ये कोई गिफ्ट खरीदने जैसा नहीं होता सर, ये होता है उसके पास जाके उसे खिलाकर उसे खुश कर देना। प्यार को ऐसे दिखाया जाता है। जब तुम्हारे हस्बैंड आसपास होते हैं तुम उनसे करोड़ों कमवाते हो और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, पर जब वो कमाने जाता है तुम कंप्लेन करते हो कि वो आसपास नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं जो कि कोई नहीं कह सकता, एक इंसान खुश करे तो दूसरे की जरूरत नहीं। दो लोग शादी करते हैं खुश रहने के लिए, पर उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होती है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ये खत्म करें। आप बार बार कह रहे हो कि एक कॉम्प्रोमाइज है, लगता है बिना जान की जिंदगी जीने को बोल रहे हो। मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। मैं अपने पार्टनर के बहुत करीब होना चाहता हूं उसके। विभा ऐसी लड़की है जिसे पता है कैसे जीते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को जवान और मजेदार बनाने के लिए विभा ही है वो जिसे पता है रोमांस क्या होता है। वो समझती है कि उसकी बॉडी उसकी नहीं, लाइफ पार्टनर की भी है। ये सोच के कि बॉडी की केयर करने से रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी, लड़की के साथ रहने से कभी कुछ नहीं होगा, लड़की को भी कुछ रोमांटिक करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे कि सनसेट। मेरा लाइफ पार्टनर मेरा इंतजार कर रहा है घर में, ये सोच के मेरी जीने की इच्छा बढ़ेगी। अगर ये सोचना डर्टी माइंड है तो किसी को तो डर्टी माइंडेड होना पड़ेगा। आपने क्या कहा था चाचा? शादी करनी चाहिए या फिर क्या सही नहीं है अफेयर हो, कभी ना खत्म होने वाला अफेयर? अगर ये
सब पता ना होता तो मैं अपना सर झुका लेता कोर्ट में, पर अब मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक बढ़िया मैरिड लाइफ है, मुझे विवाह से शादी करनी है। जो लड़की तुम्हें कमजोर लग रही है उसे बात करो, उसे चीयर अप करो, जाओ उसे हग करो। This video is downloaded from HD Hub for you. ये सीट मेरी है। नहीं मेरा है। एक मिनट बॉस, yes. हमने अभी शादी की है। मैंने गलती से ऐसी सीट्स बुक कर दी, क्या आप 4B में जा सकते हैं? नहीं। क्यों? मेरी वाइफ 4A में बैठी है। मैंने जानबूझकर किया है। कोई बात नहीं, ये हमारी पहली जर्नी है, चलो इसे यादगार बनाएं। भले यहाँ 18 इंच का गैप है और 35,000 फीट की ऊंचाई और हम 16 घंटे ऐसे ही उड़ने वाले हैं, हम बहुत सी बातें करेंगे। वो कम से कम 17 बार ब्लश कर चुकी है, हम 34 बार हंसे। ये मैं तुम्हारे डर्टी माइंड पर छोड़ता हूँ कि हमारी जर्नी कितनी रोमांटिक होगी।